ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं एक बार फिर से। विल स्टार्ट विद द ट्रायल। द ओके, तो ट्रायल की हम बात करेंगे। ट्रायल जो है हमारा, इसमें चार तरीके के ट्रायल्स बताए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायल कौन सा है? ये तो कोर्ट ऑफ सेशन है। देन वी हैव वॉरन ट्रायल, अगेन वी हैव अ वॉरन ट्रायल। दो तरीके के वॉरेंट है, बट ये वाला जो वॉरन ट्रायल है वो पुलिस रिपोर्ट पे है, एंड दिस वॉरेंट इज अदरवाइज। अब अदरवाइज में क्या होता है? कंप्लेंट हो सकती है। ठीक है, एंड दिस आर अनदर वे जिसमें हम बात करेंगे, समन ट्रायल। इसके अलावा एक और है समरी। समरी बहुत इजी सा है, समरी को तो हम अलग से ही पढ़ लेंगे, समरी ट्रायल। ठीक है, और इसमें इसका जो प्रोसेस है, कोर्ट ऑफ सेशन, इसका आई मीन एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे उसको। आई मीन आई ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे कि किस तरीके से इसको हमें लेके चलना है, बट थोड़ा सा डिफरेंस वारंट और वारंट विच स्टार्टेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और वारंट ट्रायल जो कंप्लेन पे स्टार्ट हुआ है, उन दोनों में थोड़ा सा फर्क आता है। तो पहले एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं, जब वारंट जब ट्रायल चलता है तो एक पड़ाव आता है जहाँ पे डिस्चार्ज कर सकती है कोर्ट। ठीक है, डिस्चार्ज तो उसके कुछ सेक्शंस है, जैसे 227 कोर्ट ऑफ सेशन डिस्चार्ज कर सकती है, 239 वारंट ट्रायल, जहाँ पे वारंट ट्रायल जहाँ चल रहा है वहाँ पे वो जो मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट होगी वो डिस्चार्ज कर सकती है, एंड 245, और अगर समन की बात करें तो 258। एंड अगर हम आगे चलेंगे तो डिस्चार्ज अगर नहीं हुआ है, एक्यूज्ड, डिस्चार्ज किसको करते हैं? एक्यूज्ड को करते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज मतलब छोड़ना, रिलीज कर देना। डिस्चार्ज और एक्विटल में भी बहुत बड़ा फर्क है, वो एक बार हम देख लेंगे, जान लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर डिस्चार्ज नहीं करा तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, अब आरोप लगाए किस, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है कि उसको पता होना चाहिए किस क्राइम के तहत, किस सेक्शंस के तहत उस पर मुकदमा चलेगा। तो जज साहब जो है अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेंगे अगर उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया है तो। कोर्ट ऑफ सेशन में 228 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होते हैं, वारंट वाले में 240 एंड 246, और समन वाले में जो है 251 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। और अगर हम बात करें कन्विक्शन की, कन्विक्शन भी की जा सकती है। ये जो कन्विक्शन है ये अलग कन्विक्शन है, ये तब होती है जब प्ली ऑफ गिल्टी वो मान लेता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बनाने के बाद उससे पूछा जाता है, डू यू प्लेड गिल्टी, कि आप अपना जुर्म जिस पे हम आप पे मुकदमा करने जा रहे हैं, ट्रायल चलेगा, क्या आप गिल्टी मानते हैं अपने आप को? अगर वो कहता है यस, तो कोर्ट मे कन्विक्ट, कोर्ट कन्विक्ट कर सकती है। उसके सेक्शन कौन कौन से है? 229, 241, 246 अगेन, एंड 252। और अगर वो प्लेड गिल्टी नहीं करता है, वो कहता है आई वॉन्ट टू क्लेम अ ट्रायल, मुझे ट्रायल चलवाना है, ऑफकोर्स ही बात है कि वो प्लेड गिल्टी नहीं होगा तो ट्रायल चलेगा। और ट्रायल जब चलेगा तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन, जो हमारा प्रोसिक्यूशन है यानी सरकारी वकील साहब जो होंगे प्रोसिक्यूशन, वो अपने एविडेंस रखेंगे। वो कहाँ रखेंगे एविडेंस? 231 में, प्रोसिक्यूशन एविडेंस यानी वहाँ के विटनेस जो होंगे प्रोसिक्यूशन विटनेस, उनको बुलाया जाएगा। वो अपना पहले एग्जामिनेशन इन चीफ करेंगे, एग्जामिनेशन चीफ के बाद क्रॉस करेंगे। ठीक है, और जरूरत पड़ी तो री एग्जामिनेशन होगा। ये 231 में लिखा है अगर कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल चल रहा है, एंड 242 इफ इट इज़ अ ट्रायल बिफोर दी मजिस्ट्रेट साहब जहाँ पे वारंट ट्रायल है, और 244 जहाँ पर, जहाँ पे भी वारंट ट्रायल है बट स्टार्टेड ऑन अ
कंप्लेन बेसिस एंड 254। एंड अल्टीमेटली अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस के बाद भी आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा तो वो डिफेंस विटनेस का आएगा, फिर जो डिफेंस है वो अपने विटनेसेस लेके आएगा, यानी डिफेंस एविडेंस बोल सकते हैं इसको, ठीक है, डिफेंस एविडेंस। तो 233 में, और यहाँ होगा 243 एंड दैट इज 247 एंड देन 254। और अगर डिफेंस विटनेस के बाद भी अल्टीमेटली हम किन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, या तो अब यहां पर क्या होगा, या तो कन्विक्शन होगा या क्या होगा, एक्विटल होगा, ठीक है, या तो कन्विक्शन या एक्विटल। और अगर ऑफकोर्स ही बात है एक्विटल कर दिया है तो बिल्कुल बढ़िया है उसके लिए, कि उसके लिए अगर कोर्ट कन्विक्ट करना चाहती है तो सेंटेंस दिएगी ना, तो सेंटेंस दी जाएगी, सजा दी जाएगी, बस सजा पे भी आर्ग्यूमेंट करने का अधिकार है, भाई सजा कितनी देनी है। अब सजा देते वक्त क्या हो सकता है, अगर ये प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो ऑफकोर्स ही बात है हमारे पास एक प्रोविजन है ना एनहांस पनिशमेंट का, एनहांस्ड पनिशमेंट वो दी जाती है, बड़ी हुई सजा, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी। और अगर सेंटेंस देते वक्त भी कोर्ट ये चीज़ें देख सकती है, जब कन्विक्ट होता है वो इंसान, तो कोर्ट ये चीज़ भी देख सकती है भाई क्या 325 जो है सीआरपीसी का वो यूज़ में तो नहीं आ रहा। सपोज करो मजिस्ट्रेट साहब हैं जहाँ पे उन्होंने किडनैपिंग का ट्रायल चलाया, किडनैपिंग के मामले में 7 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन इसका ट्रायल कहाँ चलता है किडनैपिंग का, मजिस्ट्रेट साहब के पास चलता है, तो मजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड टू अवॉर्ड ही मोर देन 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। तो वो क्या करेंगे, 325 के लिए 325 में उस मामले को सीजीएम साहब के पास भेज देंगे, ठीक है। तो सीजीएम साहब अपने हिसाब से वो खुद इंक्वायरी भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन दिस सेंस वो जो भी विटनेसेस हैं उनको दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, वो सारी एक प्रक्रिया है, देन ओनली दे कैन पास इन अ सेंटेंस जो भी उनको उचित लगे, ठीक है। ये मजिस्ट्रेट लिखा है MAJ मजिस्ट्रेट साहब। और एट द सेम टाइम अब सपोज कीजिए जिसने ऑफेंस किया है, कोर्ट इस कंक्लूजन पे निकली है उसको कन्विक्शन देना चाहती है, कन्विक्ट करना चाहती है, एट द सेम टाइम कोर्ट क्या चीज़ का सहारा ले सकती है, देख सकती है 360 का एप्लीकेशन, CRPC की बात कर रहा हूँ मैं। 307 में क्या दो चीज़ें निकल के आती हैं, ट्रायल जब खत्म होगा कंक्लूड होगा तो दो चीज़ें हो सकती हैं, देखो प्रीवियस कन्विक्शन भी देख रही है कोर्ट, ठीक है, एट द सेम टाइम वो ये भी देख रही है कि ऑफेंस अगर बहुत गंभीर नहीं है, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में, तो या तो उसको क्या कर सकते हैं, प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं, दूसरी चीज क्या हो सकती है, एडमोनिशन हो सकती है, एडमोनिशन डांट फटकार के छोड़ देंगे, ठीक है। और ये प्रोबेशन क्या है ये भी हम 360 में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ये हमें जानना है। अब हमें ये देखना है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल है वो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, ये कोर्ट ऑफ सेशन का प्रोसेस है, मोर और लेस सब सेम ही है, मोर और लेस सारा सेम ही है। ये कोर्ट ऑफ सेशन हो गया, अब कोर्ट ऑफ सेशन के जो सेक्शंस है वो कहाँ से कहाँ तक है ये आपको पता होना चाहिए। ये सेक्शन स्टार्ट होंगे 225 से स्टार्ट होंगे 237, ये हमारा कोर्ट ऑफ सेशन हो गया। देखो आधा तो आपको यहाँ पे लिख ही दिया है, और देखो 25 में एक बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन में बात खत्म कर दी गई है, 26 में ओपनिंग है केस की, कौन ओपन करेगा, प्रोसिक्यूशन होगा, सरकारी वकील ओपन करेगा, फिर ये 27, 28, 29 31 बचा, 31 बचा, 32 में एक्विटल की बात करी गई, 33 दो तीन सेक्शन और बचे, 37 बिल्कुल अलग सी बात करता है, 37 किससे रिलेटेड है, 199 के 2 से रिलेटेड है, एम आई राइट, हाँ जी बताइए जरा, 237 किससे रिलेटेड है,
199 के 2 से रिलेटेड है। ये 192 क्या है? ये 192 जो है डिफेमेशन अगर हो जाता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो उनके खिलाफ जिनने किया है उनका सीधा कोर्ट ऑफ सेशन में मामला चलेगा ना, ठीक है? तो कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट अपना कॉग्निजेंस ले सकती है, संज्ञान ले सकती है अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हाई डिग्निटरीज का डिफेमेशन हुआ है। इन दैट केस द कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली टेक ए कॉग्निजेंस। अदरवाइज हम ऑलरेडी बात पढ़ चुके हैं सेक्शन 190 हमने पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है। उसको मामला क्या होता है? कमिट। उसके पास मामला क्या होता है? कमिट होता है ना। अल्टीमेटली सीजेएम साहब देखते हैं भाई ये मामला, तो जज साहब सुनेंगे, हमारे बड़े जज साहब कोर्ट ऑफ सेशन साहब, तो वहां भेज देते हैं और उसी तरीके से फिर ये ट्रायल चलेगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा या नहीं चलेगा? तो जनरली 7 ईयर से ऊपर वाले मामले जो हैं उनका सेशन ट्रायल होता है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको क्या देखनी पड़ेगी, क्या देखना पड़ेगा? शेड्यूल देखना पड़ेगा, शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 कॉलम नंबर कौन सा है? कॉलम नंबर 6। वो आपको देखना पड़ेगा, बाय होम ट्राइबल, किसके द्वारा ट्राइबल है, ठीक है? तो आपको वो कॉलम देखना है, वहां लिखा है। अब ऑफ कोर्स ही बात है, अगर मर्डर का मामला है या रेप है या डकॉइटी है, ये मामले कहाँ चलेंगे? ये कोर्ट ऑफ सेशन में चलेंगे। तो कोर्ट ऑफ सेशन का ये प्रोसीजर है। और अगर हम दूसरी बात करें, ये वारंट है। अब दो तरीके की चीज़ें होती हैं, हम ऑलरेडी एक चीज़ भी जान चुके हैं, ये हमारा वारंट ट्रायल हो गया, ठीक है? तो ये सारा वारंट है। अब ये जब वारंट ट्रायल होगा तो ये दो चीज़ों पे आधारित होता है। यहाँ मैंने लिखा है पुलिस रिपोर्ट, ठीक है? पुलिस रिपोर्ट से स्टार्ट हुआ है, पुलिस रिपोर्ट से स्टार्ट हुआ है। तो पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या है? या तो यहाँ पर 173 में क्या आई होगी? चार्जशीट आई होगी और उसके तहत फिर मामला स्टार्ट हो रहा है। और ये है जहाँ पे कंप्लेंट आई, कंप्लेंट के बाद मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेके ट्रायल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, आप देखोगे सबसे पहले डिस्चार्ज की बात आई 245, ठीक है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आ गए, प्लेड गिल्टी आ गया। यहाँ पर यहाँ देखोगे ये वाला जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है ये बाद में हो रहा है इन दोनों स्टेजेस में, बट इसमें ये 244 यानी पहले हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले हो रहा है ना, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। हाँ जी, ये बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है ना, ऐसा क्यों है बताइए जरा, वाई इट इज बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज? प्रोसिक्यूशन एविडेंस रख रहा है, यानी जो प्रोसिक्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्लेनेंट, शिकायत करता जो है वो अपने एविडेंस रखता है, अपने विटनेस। सर तो रीजन, सर पुलिस रिपोर्ट में तो डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी कोर्ट के पास ये डिसाइड, मतलब प्रिलिमिनरीली डिसाइड करने के लिए कि केस आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। लेकिन इस व्हेन केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट, तो उस केस में कोर्ट के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो इसीलिए उसको स्टार्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन की जरूरत होती है। वो फिर कोर्ट को ये बताते हैं कि क्या एविडेंसेस हैं या क्या एविडेंसेस वो प्रूव करना चाह रहे हैं। हाँ जी, तो पहले क्या होंगे, जो कंप्लेनेंट होगा वो अपने ऐसे यहाँ से क्या लेके आएगा भाई, क्या पॉसिबिलिटी क्या है, जज साहब उसको देखेंगे आपकी जो कंप्लेंट है, आपके विटनेसेस क्या है, वो क्या कह रहे हैं, देन ओनली दे विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है? तभी वो आगे बढ़ेंगे। और अगर उनको लगता है कि जो आपने कहा है वो ठीक लग रहा है, विटनेस को थोड़ा पेरियूज करेंगे, वो अपने एविडेंस रखेंगे, उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो जाएगी, ठीक है? वो गिल्टी मान सकता है, देन अगर नहीं मानता तो फिर वो प्रोसीड करेंगे आगे, फिर आएंगे विटनेस, क्या नाम है, डिफेंस अपने विटनेस रखेगा। समन केस बिल्कुल सिंपल सा है, समन केस में एक चीज़ देखने वाली बात है, क्या फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जरूरी है या नहीं है, तो ये एक प्रोसेस है इसका, ठीक है? यहाँ का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। समन में डिस्चार्ज बाद में हो रहा है, ठीक है? पहले तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जरूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं पड़ी तो ठीक है, प्ली ऑफ गिल्टी पूछ लेंगे, क्या आपने जो ऑफेंस किया है क्या आप उसको मानते हैं, नहीं मानता तो आगे बढ़ेंगे। देखो प्ली ऑफ गिल्टी यहाँ पर जो भी लिखा है ना, और प्ली ऑफ गिल्टी, इस प्ली ऑफ गिल्टी के बाद उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है,
प्ली ऑफ गिल्टी में या तो वो अपने आप को कह दे कि हाँ मैं ठीक है, मैं गिल्टी मानता हूँ अपने आप को, तो कोर्ट उस वक्त मे कन्विक्ट है, यहाँ पे वर्ड मे कन्विक्ट, यहाँ पे सारे में मे कन्विक्ट कर सकती है कोर्ट, अदरवाइज द कोर्ट विल प्रोसीड फर्दर, प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेगी, अदरवाइज फिर डिफेंस एविडेंस ले लेगी, रिजल्ट आएगा कन्विक्शन में या एक्विटल में, फिर ये आपको सारी प्रक्रिया नीचे की शायद समझ आ गई होगी। हाँ जी समझ में आया नीचे का जी सर। तो हम इसको चलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कहता है। कुछ केस लॉज होंगे, इम्पोर्टेंट केस लॉज है वो कर लेंगे, ठीक है। एक दो चीज और है यहाँ पे, वो चीज अभी ही समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया चार तरीके के ट्रायल होंगे। अच्छा ट्रायल होता क्या है, व्हाट इज ट्रायल? ट्रायल इज अ जुडिशियल एडजुडिकेशन, जुडिशियल एडजुडिकेशन ऑफ अ पर्सन। और ये किस लिए है ट्रायल, कि क्या वो गिल्टी है या इनोसेंट है, दो ही चीजें निकल के आएगी ना, या तो वो गिल्टी होगा या इनोसेंट होगा, इस चीज का निर्धारण करना, एडजुडिकेशन करना, और जिसके अल्टीमेटली कंक्लूजन या तो गिल्टी होगा या इनोसेंट होगा। चार तरीके के ट्रायल हैं। अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं अभी, जैसे अगर हम बात करें समन ट्रायल की, अगर समन ट्रायल है, समन ट्रायल में समन शैल बी सर्व्ड, समन ट्रायल में समन सर्व्ड होगा, ठीक है, सामने वाली पार्टी को बुलाने के लिए समन इशू होगा, और इन वारंट वाले में वारंट इशू होगा। बट क्वेश्चन ये है कि क्या वारंट ट्रायल में समन इशू हो सकता है? Yes. बिल्कुल हो सकता है, इफ द मजिस्ट्रेट थिंग फिट्स हो, इफ द मजिस्ट्रेट साहब को अगर उचित लगता है भैया वारंट थोड़ा खतरनाक हो जाता है, समन दे के भी बुलाया जा सकता है तो बुलाया जा सकता है, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। अच्छा क्या समन केस में वारंट इशू हो सकता है? Yes, it ये is भी हो सकता है, वाई से वर्षा भी हो Yes. सकता है, चला वो भाग जाएगा। अच्छा क्या ऐसा पॉसिबल है, हमें ट्रायल चलाना था, हमें ट्रायल चलाना था समन ट्रायल, हमने चला दिया वारंट ट्रायल। अब ध्यान से सुनना, ट्रायल का जो प्रोसेसर हमें जो फॉलो करना था, ट्रायल का जो प्रोसेसर वो फॉलो करना था एज अ समन ट्रायल फॉलो करना था, हमने कर दिया वारंट ट्रायल। यानी समन थोड़ा ईजी है, वारंट थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, और इस वारंट ट्रायल के चलते जो एक्यूज्ड है, चलो पहले इतनी बात बताइए, समन ट्रायल चलना था वारंट चल गया, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, पूरा ट्रायल विशिएट होगा और व्हाट, ट्रायल क्या होगा, विशिएट हो जाएगा क्या? यस सर। हाँ जी और बताइए, क्या ट्रायल विशिएट हो जाएगा? सर जरूरी नहीं है, हम अल्टीमेटली क्या चीज देखते हैं विशिएट करने से पहले, whether it has caused gross injustice to the accused or not. हाँ जी, whether there is a failure of justice or not, failure of justice, अगर इसके साथ अन्याय हो रहा है तभी ट्रायल विशिएट होगा, अदरवाइज नॉट। और ये जो प्रॉब्लम हुई है, समन को हमने समन ट्रायल को वारंट चला दिया, समन ट्रायल को वारंट अगर हमने चला दिया तो ये जो इरेगुलरिटी है ये कहीं डील की गई है क्या, इज इट हैज बीन डील एनीवेयर, कहीं डील किया गया इसको, इस इरेगुलरिटी को? 460, 461, 465, सेक्शन 465 कहता है व्हेन नो प्रेजुडाइज इज कॉज्ड इन अडॉप्टिंग अ प्रोसीजर
ऑफ अ समन केस इंस्टेड ऑफ अ वारंट केस, ठीक है, मतलब वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। हमने अडॉप्ट कर लिया समन केस, करना चाहिए था वारंट केस, और वाइस वर्सा, या वारंट केस करना चाहिए था, कर लिया समन केस, इट विल बी एन इरेगुलरिटी। ये इरेगुलरिटी है, बट दैट इज क्यूरेबल, क्यूरेबल अंडर सेक्शन 465। लेकिन इसका टेस्ट क्या है? व्हाट इज द टेस्ट टू फाइंड आउट? नो प्रेजुडाइस, ठीक है, नो प्रेजुडाइस कॉज टू एक्यूज्ड। भाई एक्यूज के भी तो राइट है कुछ, उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आई होप यू कैन रिमेंबर इट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 464, 465, और इसका टेस्ट क्या है? नो प्रेजुडाइस, वाई से वर्षा हमने कर दिया, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेंगे। अगर हमने समन केस था, यानी समन ट्रायल था, समन केस का समन ट्रायल चलेगा ना, अगर हमने उसको एज अ वारंट ट्रायल चला दिया, समन केस था, चला दिया वारंट ट्रायल, और उसमें अगर डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज कौन से स्टेज पे होता है? पहले होता है, बाद में होता है? एक्विटल माना जाएगा इन द बिगनिंग, ये शुरुआत में ही हो जाता है डिस्चार्ज। इसका रिजल्ट क्या होगा? एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड। इसको बोलेंगे एक्विटल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और अगर आपका वारंट ट्रायल है, वारंट केस था, वारंट ट्रायल चलना चाहिए था, आपने चला दिया समन ट्रायल, ठीक है, और उसमें अगर हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो अगर हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो एक्विट सर होगा, फिर तो डिस्चार्ज ही बोलता होगा वो तो डिस्चार्ज वाले केस में, क्योंकि समन्स केस एक्विट। थोड़ी बहुत लाइट होते हैं ना ये, हाँ, अगर हम उसमें एक्विटल कर रहे हैं तो तो वो देखो, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसको डिस्चार्ज कहलाएगा वो। दोबारा समझिए, वारंट ट्रायल चलना चाहिए था, वारंट केस था, वारंट ट्रायल चलना चाहिए था, चला दिया, देखो डिफिकल्ट ट्रायल चलना चाहिए था, चला दिया हल्का, और हल्के ट्रायल में उसको एक्विट कर दिया गया है, तो डिस्चार्ज होता है। अब आप कहोगे सर ये डिस्चार्ज एक्विटल समझ में नहीं आ रहा, तो आपको शायद पता होगा, जब किसी इंसान को डिस्चार्ज किया जाता है, अगर बाद में इसके खिलाफ कुछ सबूत निकल के आते हैं, एविडेंस निकल के आ गए हैं, तो ही कैन बी आस्ट टू कम बैक, वापस बुला लिया जाएगा जी, ठीक है, इसके ऊपर दोबारा से केस चलेगा। ही कैन नॉट टेक अ डिफेंस ऑफ व्हाट ऑर्डर ऑफ हिज एक्विट और कन्विक्ट, सुना? 300 सेक्शन 300 आपने सुना होगा, वहां क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ हिज एक्विट और कन्विक्ट, यानी अगर एक बार हमने इसको एक्विट कर दिया है तो उसको दोबारा नहीं बुलाया जा सकता। आपने एक मैक्सिम सुना होगा, नो वन कैन बी कंडेम, नो वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर वन ऑफेंस ट्वाइस। एक इंसान को एक क्राइम के लिए एक बार ही तो सजा मिलेगी, एक क्राइम के लिए एक बार ही तो सजा मिलेगी, एंड देयरफॉर अगर उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया है, डिस्चार्ज में दोबारा बुलाया जाता है, ठीक है, डिस्चार्ज इज लाइक, जैसा शुरुआत में ही उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है, ठीक है, शुरुआत में ही उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, बेनिफिट ऑफ डाउट इन द सेंस के लगता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं बन रहा, लेकिन बाद में कोई सबूत मिल गया, बुला लेंगे, दोबारा ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर किसी को एक्विट कर दिया है, अगर किसी को एक्विट कर दिया तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा। आपने एक मैगजीन पढ़ा होगा, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 आपने पढ़ा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां क्या लिखा है? डबल जिपैरिटी लिखा है, ठीक है, डबल जिपैरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक इंसान को एक क्राइम के लिए एक ही बार तो पनिश किया जाएगा, जब कोर्ट ने पूरी प्रोसीडिंग चला के उसको एक्विट कर दिया है, जब कोर्ट ने पूरी एक प्रोसीडिंग चला के उसको एक्विट कर दिया है, तो ही कैन नॉट बी कॉल्ड अगेन, उसके ऊपर दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा। वो अपना यहाँ पे कहेगा मेरा संवैधानिक अधिकार, मेरा मौलिक अधिकार का वायलेशन हो रहा है,
तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक्विटल और डिस्चार्ज में, ठीक है? एक्विटल और डिस्चार्ज में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है ये समझ में आपको आ गया होगा? डिस्चार्ज में दोबारा उस पर केस चल सकता है, ट्रायल चलेगा, क्योंकि तो अभी तो उसको जैसे ऐसे छोड़ दिया गया था कि भाई ठीक है कुछ नहीं बन पा रहा इस पे अपराध। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सारी? तो आप ये भी ध्यान रखना, अगर समन केस को वारंट चढ़ा दिया, यानी सिंपल केस को आपने बहुत डिफिकल्ट वाले ट्रायल में ले गए हैं और वहां डिस्चार्ज हो रहा, तो उसका इम्पैक्ट एक्विटल पे है, उसका रिजल्ट एक्विटल आ रहा है, उसको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। बट अगर आपने वारंट चलाना था, हल्का चला दिया और एक्विट हो गया, तो डिस्चार्ज है, दोबारा बुलाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर, यस अब चलते हैं सर। ट्रायल की तरफ, आगे बढ़ते हैं। एक आधा छोटे मोटे केस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फिर तो हमें बेरेक्ट ही पढ़ना है, और बेरेक्ट ही पढ़ना है। बेरेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, कई जगह एम्बिग्यूटीज भी है, वो मैं आपसे पूछूंगा कि इस प्रोविजन में क्या एम्बिग्यूटी है। एक केस लिख लेते हैं, सोमा भाई वर्सेस स्टेट का। सोमा भाई वर्सेस स्टेट, 1975। अच्छा एक बात बताइए, जो प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूशन तो समझते हैं आप सब, मतलब जो जी स्टेट की सर, तरफ से प्रोसिक्यूट कर रहा है, कि उसके अगेंस्ट में बात रखेगा, एविडेंस रखेगा। अगर प्रोसिक्यूशन ने बहुत कई सारे विटनेसेस थे, उनमें से एक विटनेस को ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप मतलब भाई मैं इसकी गवाही नहीं लूंगा, ठीक है? एक आई विटनेस था, इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का मतलब आप समझ पा रहे होंगे आई गेस, कि इसको उसने एज अ विटनेस के रूप में नहीं लिया, ठीक है? एक बेसिक रूल है कि भाई जितने भी विटनेसेस हैं उन सबका एग्जामिनेशन होना चाहिए। बट द प्रोसिक्यूशन डू वन थिंग, क्या प्रोसिक्यूशन पिक एंड चूज कर सकता है? क्या प्रोसिक्यूशन पिक एंड चूज कर सकता है? अगर किसी केस में 100 विटनेस है, तो वो 10 चुन के निकाल सकता है, भाई ये विटनेस देंगे। यस हो सकता है सर। बिल्कुल करेगा, और वो ही करते हैं। तो प्रोसिक्यूशन पिक एंड चूज कर कर अपने विटनेस को निकाल लिए। सपोज करो उसने एक विटनेस था जो प्राइम आई विटनेस था, उसको क्रॉस उसने अपने केस में नहीं रखा, ठीक है? और क्यों नहीं रखा, इसका लॉजिक क्या था? उन्होंने कहा भाई ये जो विटनेस है ये क्लोज रिलेशन में है। इज अ क्लोज रिलेशन टू हुम? एक्यूज्ड का ही होगा। एक्यूज और ऐसा भी उसने कहा कि भाई ये जो विटनेस है इज ऑलरेडी बीन वोन ओवर। वोन ओवर का मतलब क्या होता है? It, he has been gained over by the opposite means by बिल्कुल। the defense counsel. सो गेंड ओवर भी बोल सकते हैं, कि इसने अक्यूज ने इसको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में कर लिया है, ठीक है? वॉन ओवर बाय द अक्यूज। तो अगर अब हम इस विटनेस को एग्जामिन नहीं करता है प्रोसिक्यूशन, नॉन एग्जामिनेशन ऑफ सच अ विटनेस, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? हाँ जी, अगर इसको हमने एग्जामिन नहीं करा है और प्रोसिक्यूशन कह रहा है मैंने इसलिए एग्जामिन नहीं करा बिकॉज ही इज ऑलरेडी बीन वॉन ओवर और द गेंड ओवर बाई द एक्यूज, एंड देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू एग्जामिन यू, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? वेदर सर, से एग्जामिन करते तो वो कहीं ना कहीं डिफेंस के फेवर में जाता। हाँ जी, तो क्या इससे जो प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो फेल हो जाता है? डज इट फेल? नहीं तो प्रोसिक्यूशन का केस इससे फेल नहीं होगा, एंड द प्रोसिक्यूशन कैन प्रूव इस केस बाय अदर विटनेस, ठीक है? और भी विटनेस से तो सिद्ध की जा सकती है ना बात, तो जरूरी थोड़ी ना है। और यहाँ पे तो एक डाउट एम्बिग्यूटी ऑलरेडी आ गई है कि दैट इज ऑलरेडी बीन वन ओवर। तो प्रोसिक्यूशन का केस खत्म या फेल नहीं होता है अगर वो उस विटनेस को एग्जामिन नहीं करता है जो उसे लगता है ये ऑलरेडी अक्यूज ने अपनी तरफ कर लिया है। तो दैट इज नॉट अ फेटल, बिकॉज वी हैव अदर विटनेस, वी कैन एग्जामिन इट, ठीक है? अच्छा कितने विटनेस हैं? क्या 100 के 100 को विटनेस को एग्जामिन किया जाए?
नॉट नेसेसरी. हमने अच्छा एक बात पढ़ी थी शायद, एविडेंस एक्ट आपने पढ़ा है, नंबर ऑफ विटनेस कितने चाहिए किसी बात को सिद्ध करने के लिए? हाँ जी, हाउ मैनी? So it can be any number, section 34. बिल्कुल, सेक्शन 134। हाँ सॉरी और वन थर्टी फोर ये तो स्लाइटली मिस्टेक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता क्योंकि ये तो टेपोग्राफिकली एरर है, ठीक है, तो चल जाता है, टाइपो एरर है। ओके, सो 134 में लिखा है नंबर ऑफ विटनेस कैन बी, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कोर्ट को जहां पे कन्विंस हो जाएगा वहां काम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, डिक्री सुना है आपने? डिक्री जो होती है सिविल मामले में, डिक्री होती है ना, जी. अगर डिक्री जो है, डिक्री में अगर कुछ एरर है, कैन इट बी रेक्टिफाई? यस सर. यस सर. कोई है सेक्शन डिक्री में रेक्टिफिकेशन हो सकता है? ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा हूं मैं, इससे रिलेट मत करना केस से, ऐसे ही माइंड में आया। 152. हाँ जी, 152। और वो किस तरीके की होती है, यहाँ पे जो डिक्री है इसके अंदर किस तरीके के एरर होते हैं, वो चेंज होते हैं? अर्थमेटिकल. हाँ जी, बहुत बढ़िया, तो अर्थमैटिकल एरर्स हो गए, लेकिन इसको चेंज करते हुए कोर्ट को। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सपोज कीजिए ए ने बी के खिलाफ एक दावा डाला, सिविल सूट डाला। जब ए ने बी के खिलाफ सिविल सूट डाला है, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे नहीं तो आउट ऑफ ट्रैक चले जाएंगे। ए ने बी के खिलाफ सिविल सूट डाला, अब उसने मांगे कि भैया मेरे पास जो है इससे 10 लाख रुपए लेने हैं, 10 लाख रुपए लेने हैं, और काफी लंबे समय हो गए और उसका इंटरेस्ट भी है, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट है, तो इसने दावा डाला टोटल 12 लाख रुपए का। अब कोर्ट ने जो डिक्री पास करी है, कोर्ट ने जो डिक्री पास करी, कोर्ट ने डिक्री पास करी, ₹10 लाख हैज टू पेड बाय, 10 लाख रुपए पे किए जाएंगे किसके द्वारा? बी के द्वारा, ए को दिए जाएंगे। कोर्ट इस कंक्लूजन पे आया, डिक्री में ये आ गया डिसीजन, बट कोर्ट ने 2 लाख रुपए की बात ही नहीं करी। इसने क्या करा, इस ए ने अप्लाई करा फॉर द अमेंडमेंट ऑफ अ डिक्री, डिक्री को अमेंड किया जाए अंडर सेक्शन 152। नाउ द क्वेश्चन कम्स, यू हैव टू डिसाइड इट वेदर ए ने जो एप्लीकेशन लगाई है सही है गलत है, और क्या इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे आप। समझ में आ गई बात? सर जल्दी ये डीम ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर कोर्ट को देना होता वो कोर्ट उसी मैटर में दे देता. अगर कोर्ट ने नहीं दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकते ओके ये सूट कहाँ है, तो एप्लीकेशन है, इसमें सर. तो इसके लिए ये है ना कि मतलब एप्लीकेशन। फ्रेश एप्लीकेशन नहीं कर सकते ओके चलो और बताइए। सर. इसके लिए वो अपील में जाएगा या फिर वो ओके, रिव्यू अपील में शायद अपील में जा सकता है, रिवीजन भी बोला। रिवीजन नहीं सर, क्योंकि क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर किसी एक मुद्दे पे अगर कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया है तो वो डीम्ड माना जाता है कि कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया है, तो ओके आप अपील में चले जाओ फिर. ओके ठीक है, आप लोग तो ये कहते हैं मेरे आपको सीपीसी नहीं आती, अच्छा खासा तो आंसर दे रहे हो, और हर्षना आप ही डर रहे थे, सबसे बढ़िया आंसर है आपका, यही तो है इसका कंक्लूजन। देखो 152 जो है ना, 152 जस्ट फॉर दी अमेंडमेंट ऑफ, पूरा डिक्री चेंज नहीं हो सकते इसमें, तो सिर्फ अर्थमेटिकल एरर चेंज होंगे। जैसे सपोज करो 10 लाख लिखना था, यहां 1 0 कम लिख दी गलती से, ठीक है, या किसी का नाम जैसे खोदा बख्श, खोदा बख्श ऐसे करके अगर कुछ नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ गया है वो चेंज होगा, पूरा का पूरा अमेंडमेंट नहीं हो सकता, 10 का 12 लाख नहीं होगा। वाई? बिकॉज अगर कोर्ट ने 10 लाख रुपए की डिक्री दी है, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट था, तो इट वुड बी प्रेज्यूम दैट द कोर्ट हैज डिनाइड इट, रिफ्यूज इट, ठीक है, कोर्ट ये मान, मतलब डिक्री में मान के चलेगी कि ये जो मना कर दिए गए हैं, और अगर मना कर दिए गए हैं तो व्हाट यू कैन डू नाउ, अगर ये मना हो गया है तो आप क्या करेंगे, तो आप इसकी अपील कर सकते हैं ना,
बट सेक्शन 152 में ये जो पूरा प्रोसेस है, आप 10 लाख की जगह 12 लाख के लिए एप्लीकेशन ही लगा सकते कि अमेंड कर दी जाए, ठीक है, अमेंडमेंट का नहीं लगेगा, बट यू कैन अपील इट, ठीक है। चलो आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जा रहे हैं, सीपीसी का एकदम से पता नहीं कहाँ से माइंड में आ गया ये, वापिस आ जाते हैं ट्रायल पे। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ जी, क्लैरिकल एरर से पहुंच गए सर वहां। क्लैरिकल एरर, हाँ देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, जाना नहीं चाहिए था, आउट ऑफ ट्रैक हो गए, बट ठीक है, अच्छी बात है आप लोगों ने पढ़ रखा है सीपीसी, बस थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए होगी चीजों में। ओके, अब आ जाते हैं ट्रायल पे। एक केस और कर लेते छोटा सा, कांति भद्रेशाह, कांति भद्रेशाह वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अच्छा एक बात बताइए, कोर्ट जब डिस्चार्ज करती है तो कोर्ट रीजंट ऑर्डर देगी विदाउट रीजन? तो कोर्ट जब भी डिस्चार्ज करेगी तो कोर्ट हैज टू रिकॉर्ड अ रीजन, ठीक है, कोर्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजन कि क्यों इसको छोड़ा जा रहा है। बट अगर आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर दी है तो जरूरी नहीं है भाई, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तो उसकी ड्यूटी भी बनती है, डिस्चार्ज अगर नहीं हुआ है कोई इंसान प्लेड गिल्टी नहीं करता तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन डिस्चार्ज करती है तो ही हैज टू गिव अ रीजन बिहाइंड इट, व्हाई दे आर डिस्चार्जिंग इट। और एक और केस था वो कंप्लेंट वाला है, अजय कुमार, इट्स नॉट अजय, अजय कुमार घोष वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें कहा गया ट्रायल जो है कैन नॉट बी डायरेक्टेड बी प्रोसीडेड अनलेस, ट्रायल जब तक नहीं चलेगा, अगर मैं पर्टिकुलरली अंडर सेक्शन 244 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रायल जब तक नहीं चलेगा जब तक विटनेस कैन नॉट बी हर्ड, जब तक विटनेस को सुन लिया ना जाए। ये कौन से वाले विटनेस की बात कर रहा है? Principal. ये कंप्लेंट की बात कर रहा है, जब ट्रायल कंप्लेंट पे चलेगा ना, वॉरेंट ट्रायल हो तो कंप्लेंट पे जो स्टार्ट हुआ है उसमें पहले विटनेस को सुना जाएगा, देन ओनली दे विल प्रोसीड टुवर्ड द ट्रायल, आगे बढ़ेंगे तभी, ठीक है। क्योंकि जब पुलिस रिपोर्ट आती है, पुलिस रिपोर्ट में तो कुछ तो है ना, डॉक्यूमेंट तो है जिसके आधार पर कोर्ट आगे बढ़ेगी, लेकिन कंप्लेंट में तो कंप्लेनेंट ही आता है अपनी कंप्लेंट लेके, तो उसके कंप्लेंट लेने से क्या सामने वाले पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर दे? आप लॉजिक लगाइए, मैं कंप्लेंट लेके जाता हूँ कोर्ट के सामने, कंप्लेंट लाने के बाद क्या मजिस्ट्रेट साहब सीधा एकदम मेरी बात सुनने के बाद इतना कन्विंस हो गए कि मेरे से सामने वाले के खिलाफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाए? तो पहले मुझे अपने विटनेस भी लाने पड़ेंगे, उनको सुना जाएगा, ठीक है, देन ओनली दे कैन प्रोसीड फर्दर। और दो चार केसेस जो आते रहेंगे, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द मिडल ऑफ द लेक्चर। एक और केस लिख लेते हैं, ओके। तो जब कोई केस आता है, जैसे सपोज कीजिए कोर्ट ऑफ सेशन पे अगर ट्रायल चलना है और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बनाने हैं, तो कोर्ट को भी अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक केस था पी विजयन, पी विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला,
2010 का केस है, इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पे निकल के आई है नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द प्रोसीडिंग अगेंस्ट अक्यूज्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इफ द कोर्ट कम टू द कंक्लूजन दैट, एक वर्ड है ना यहाँ पे लिखा, अभी आगे मैं दिखाऊंगा, नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट अक्यूज्ड, इससे ये पता लगता है। देखो सपोज कीजिए पुलिस ने अगर, जो पुलिस क्या जमा करेगी, अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा करेगी, तो क्या मजिस्ट्रेट साहब बाउंड है फाइनल रिपोर्ट से? नो, आंसर इज नो। तो मजिस्ट्रेट साहब को अपना माइंड लगाना है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज कि वेदर ही इज कन्विंस्ड विद द पुलिस रिपोर्ट और नॉट, ही कैन ऑर्डर फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, राइट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक क्लॉज जो लिखा है नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट अक्यूज, इट शोज दैट अगर पुलिस रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अगर चार्जशीट जमा करी है और उसके बाद भी जस्ट आपको लगता है कि देर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, देन द कोर्ट कैन डिस्चार्ज, कोर्ट डिस्चार्ज कर सकती है। इसका मतलब क्या है, ये जो फ्रेज लिखा है इससे ये पता लगता है कि जज इज नॉट मेयरली अ पोस्ट ऑफिस, एक लाइन भी लिख लेना बड़ा अच्छा लिखा हुआ है इसमें कि जज इज नॉट अ मेयर पोस्ट ऑफिस। ऐसा नहीं कि पुलिस जो आएगी वो कहेगी और जज साहब मान लेंगे, ठीक है। जज इज नॉट मेयर अ पोस्ट ऑफिस टू फ्रेम द चार्ज, ऐसा नहीं जज साहब जो है पुलिस ने जो कहा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज स्टार्ट कर दे बनाना एट द बिहेस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, कि प्रोसिक्यूशन जो कह रहा है, जो पुलिस वाले कह रहे हैं वो सही है और अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर दें। जज हैज टू एक्सरसाइज जुडिशियल माइंड, जज साहब को क्या करना है, जज हैज टू अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड टू द फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पुलिस, ऑफकोर्स ही बात है पुलिस रिपोर्ट हो, फाइनल रिपोर्ट हो, क्लोजर रिपोर्ट हो या चार्जशीट हो, मजिस्ट्रेट साहब या कोर्ट ऑफ सेशन इज नॉट बाउंड, इससे बाउंड नहीं है, उनको अपना माइंड लगाना है, अपने हिसाब से देखना है। ओके चलो आगे चलते हैं, बैरेक पढ़ते हैं तो आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों के पास अपने बैरेक्स होंगे आई गेस, जस्ट ओपन इट एंड देन विल स्टार्ट इट। ये मैं हटा दूं जो लिखा हुआ है, इफ यू हैव रिटन डाउन, हाँ जी, यामिनी, हर्षना लिख लिया आपने, पूर्णिमा, सीमा, ओके अभी स्टार्ट हम करते हैं ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। तो ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन स्टार्ट करेंगे, ये कहां से कहां तक है, 225 से लेकर 237 तक। ओके देखिए सबसे पहले क्या होगा, 225 पढ़ते हैं, ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब जो है वो ट्रायल को कंडक्ट करेंगे। अच्छा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में क्या होते हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब की जो कोर्ट होती है उसमें अपियर होते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और कोर्ट ऑफ सेशन में होते हैं पीपी होंगे या एडिशनल पीपी होते हैं। तो ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब करेंगे, इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, प्रोसिक्यूशन कौन स्टार्ट करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर,
226 पे आ जाते हैं। यहां एक वर्ड लिखा ओपनिंग केस फॉर द प्रोसिक्यूशन, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब ये ओपनिंग वर्ड ना आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल में मिलेगा। अगर आप देखना चाहें तो जल्दी से देख लीजिए, आपके पास जो भी ट्रायल्स हैं, ठीक है, 238 से लेकर 250 तक दूसरा ट्रायल है, ठीक है, उनमें आप देखिए एक बार, ठीक है, इसमें भी नहीं है ओपनिंग वर्ड, ना ही अगर आप देखेंगे 251 से लेकर जो आपका समन केसेस का ट्रायल है 259 पे खत्म होता है, इसमें भी ओपनिंग नहीं है। फिर 260 से लेकर 265 तक इसमें भी नहीं है, ओपनिंग वर्ड है कहीं? नहीं है, ठीक है। अब इसमें ओपनिंग में क्या लिखा है, व्हेन द अक्यूज्ड अपीयर और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, जब अक्यूज्ड को, दो चीजें यहां पे, अक्यूज को अपियर किया जाता है यानी खुद ही आ जाता है, या ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट इन द परसुएंस ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर द 209। 209 में क्या करते हैं हम, केस को क्या किया गया हो, कमिट करते हैं। कौन करता है कमिट, तो मजिस्ट्रेट साहब भेजते हैं ना कि भाई दिस मैटर इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय, कौन चलाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा इसका ट्रायल। तो अच्छा एक बात बताइए, 209 की कार्यवाही भेजने से पहले क्या करना पड़ता है, 207 208 करना पड़ता है क्या? हाँ जी जल्दी से बताइए, कमान यामिनी हर्षना, क्या 207 और 208 के अंदर एक्यूज को कॉपी नहीं देते, सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, ये सब देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे, उसके बाद मामले को कमिट कर देंगे। और यहाँ 209 में क्या लिखा है, एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन था कि जब 200 के अंदर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है और उसको इनिशियली ये पता चल जाता है कि द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रैवल बाय द मजिस्ट्रेट, तो क्या वो तब भी वो एग्जामिनेशन और विटनेसेस और सब कुछ करके ही कमिट करेगा 209 में, या सीधा भेजेगा? ओके, तो आप ये कह रहे हैं 200 के अंदर जब कंप्लेंट आई, देखो 200 में अगर मजिस्ट्रेट साहब के सामने कंप्लेंट आई है, क्वेश्चन ये है कि आपका कि वो विटनेसेस को वहीं पे एग्जामिन करेगा जहां उसे लग रहा है ये तो 209 का मामला है, आगे भेज देना चाहिए, कि क्या विटनेस को ये एग्जामिन करेगा या आगे भेज देगा। क्या ये मजिस्ट्रेट साहब ही एग्जामिन कर लेंगे इन विटनेसेस को या आगे भेज देंगे, व्हाट डू यू से, आप लोग बताइए। आई थिंक तो ये आपका क्वेश्चन आपने कहाँ से पढ़ा है, कहाँ पढ़ा ये क्वेश्चन आपने, एमसीक्यू में, एमपी वाले में? हाँ। ये एमपी का नहीं, मैं बता तो ये दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज का 2018 का क्वेश्चन है, मेंस का, ठीक है सर। वो उसी पॉइंट पर ही क्लियर हो गया ना कि अगर मजिस्ट्रेट को कंप्लेन से ही लग गया है कि केसेस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो बस इतना ही तो मजिस्ट्रेट को लगना चाहिए, तो अगर वो वहीं पर ही सेटिस्फाई हो गया तो ऑब्वियसली भेज सकता है विदाउट एग्जामिनिंग फर्दर। लेकिन एक बात बताओ, 200 के अंदर तो लिखा ही क्या है, एग्जामिन करना है ना, 200 में तो एग्जामिन करता ही है, 200 में एग्जामिन करेगा, ईशो प्रोसेस स्टार्ट करेगा, बुलाएगा, ये सारी प्रक्रिया करके भेजेगा ना 209 में ऊपर। 209 में तो कमी एक्सक्लूसिव ट्राइबल है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब सपोज करो यहाँ पर एक कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट करी गई, वैसे तो वो कंप्लेंट रिटर्न में आएगी, पब्लिक सर्वेंट करेगा तो उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 के अंदर एक बात है ना, पब्लिक सर्वेंट अगर कंप्लेन करता है लिख के, अगर जहां पर सपोज करो 1992 का भी मामला है, डिफेमेशन का है, तो एक्सक्लूसिव ट्राइबल बाय हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां पर विटनेसेस को एग्जामिन करने की जरूरत है, मजिस्ट्रेट साहब करेंगे या सीधा ऊपर भेज देंगे, भाई ये तो मैं नहीं कर रहा, आप कीजिए,
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ जी कम ऑन से बताइए क्या करेंगे, और मेंस का क्वेश्चन है ये, क्या थिंक वहां पे शायद शेल वर्ड यूज किया है तो मैंडेटरी होगा। मैं आपको ये क्वेश्चन ना पढ़ के भी बताऊंगा, ये डीजीएस में हायर में आया हुआ है। सर ये एमपी का भी है, मुझे याद आया मैं एमपी के 2019 का पेपर सॉल्व कर रही थी वहां पे पढ़ा मैंने ये क्वेश्चन। नहीं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी मैं आपको शायद मैं कल परसों देख ही रहा था वो प्रीवियस पेपर, तो उसमें पूछा गया है, मैं ढूंढ के आपको बताऊंगा इसका, ठीक है? क्वेश्चन भी बताऊंगा फिर उसका आंसर भी बताऊंगा, और टिल द टाइम यू थिंक अबाउट इट व्हाट शुड बी द आंसर। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इस पे केस लॉ भी है। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसका आंसर भी बिल्कुल एग्जैक्टली बताऊंगा मैं आपको कि इसमें करेगा क्या वो मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट खुद पहले एग्जामिन करेगा फिर भेजता है, या सीधा वो क्या कहते हैं इसको कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज देगा कि कोर्ट ऑफ सेशन एग्जामिन करेगा क्या। ठीक है, वैसे तो प्रेमा फैसा इसका आंसर यही है, ये जो कोर्ट है नीचे वाली यही एग्जामिन कर लेता है। ठीक है, यही नीचे एग्जामिन कर लेता है, बट एक बार और जजमेंट देख लेंगे क्योंकि वो जजमेंट के अंदर से क्या निकल के आ रहा है, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, सो ओपनिंग ऑफ द ओके केस सर 226 कर लेते हैं अभी। ओपनिंग ऑफ द केस फॉर प्रोसिक्यूशन एक्यूज, या तो यहाँ पे अपियर होता है या ब्रॉट बिफोर द कोर्ट में लाया जाता है, फिर ये सारी चीजें एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय है, तो 209 में भेज दिया गया हो, कमिट कर दिया गया हो केस, 207 और 208 के जो प्रोसेस है वो करवाने के बाद अनस्टेटेड बाय व्हाट एविडेंस। अब यहाँ पर जो पीपी साहब है वो ये भी बताएंगे कि मेरे पास ये एविडेंस है, इन चीजों से मैं इस बात को सिद्ध करना चाहूंगा जो इसके पास आरोप लगाया गया है। बाय व्हाट एविडेंस ही प्रूव्स टू प्रपोजेस टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज। ठीक है भाई, इतना सही है। नाउ 227, अब देखो यहां पर 227 अब आ गया है। 227 में क्या है, डिस्चार्ज। अभी तो यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ अपना प्रोसिक्यूशन अपनी बात रखी कि हम कैसे चीजों को सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब डिस्चार्ज जो है यहां पर, अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है भाई इसने के खिलाफ कुछ नहीं बन रहा, केस ही नहीं बन रहा, लगता नहीं है, तो उसको डिस्चार्ज मतलब छोड़ा जा सकता है। तो अब देखिए, अपॉन कंसिडरेशन, विचार विमर्श करने के बाद, ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड हेयर विथ। ठीक है, कंसिडरेशन करने के बाद, रिकॉर्ड्स देखने के बाद जो पुलिस रिकॉर्ड्स लाई होगी सारे, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबमिट कराए गए उन सबको देखने के बाद, पेरियूज करने के बाद, एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ द अक्यूज। अब यहाँ पे अक्यूज को भी सुना जाता है, एक्यूज को भी सुना जाएगा भाई वो क्या कहना चाहता है, एंड द प्रोसिक्यूशन दोनों को सुना जाएगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इन दिस बिहाफ द जज कंसीडर देर इज नॉट सफिशियंट ग्राउंड। इन दोनों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट साहब इस कंक्लूजन पे निकले हैं कि देर इज नो सफिशियंट ग्राउंड, कि कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बन रहा है कि इसके ऊपर ट्रायल चलाया जाए। ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज एंड द रिकॉर्ड इज रीजन फॉर डूइंग इट सो। तो यहाँ पर इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और डिस्चार्ज करने के बाद कोर्ट डिस्चार्ज करने से पहले रीजन भी लिखेगी रिकॉर्ड, जो कि हमने अभी केस में भी कर लिया, दैट इज मैंडेटरी। द कोर्ट हैज टू राइट अ रीजन बिहाइंड इट व्हाई दे आर जस्ट डिस्चार्जिंग हिम। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी नहीं हुआ है, सिर्फ हमने क्या किया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इतना बताया कि मैं कैसे बात को सिद्ध करना चाहूंगा, मेरे पे क्या क्या एविडेंस है, कोर्ट उन चीज़ों को देखती है, कंसीडर करेगी, रिकॉर्ड कर लेगी, डॉक्यूमेंट्स को देख लेगी, अक्यूज से पूछ लेगी क्वेश्चन। ठीक है, प्रोसिक्यूशन से अपने बात रखवा लेगी, देन अगर लगता है कि नहीं है कुछ, देन दे कैन प्रोसीड फर्दर और उसको डिस्चार्ज कर देंगे। और अब आगे चलेंगे, अब लगता है कि नहीं छोड़ा नहीं जाना चाहिए, इसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेगी कोर्ट, आगे प्रोसीड करेगी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की तरफ। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है, अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में दो चीजें हमें देखनी है, इसमें दो चीजें निकल के आएंगे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में।
यहाँ पे क्या है, एक तो है नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय दिस सेशन कोर्ट, नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट, और एक होंगे एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। इसमें दो चीजें निकल के आएंगी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में। अगर ऑफ कोर्स ही बात है ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो शैल फ्रेम द चार्ज, और यहाँ वर्ड लिखा शैल फ्रेम यानी मैंडेटरी है, और कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा भाई ये तो बनाने पड़ेंगे ना, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज लिखित में होगा। अगर नहीं है नॉट एक्सक्लूसिवली तो एक बार हम बैरेक पढ़ लेते हैं, वो क्या कहता है देखिए, पहले पढ़ते हैं, इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन हेयरिंग द एफरसेट द जज इज द ओपिनियन दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर प्रेज्यूमिंग दैट द अक्यूजर्स कमिटेड एन ऑफेंस, कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है, तो क्या होगा, इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल, नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ही मे फ्रेम अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज, मे लिखा है यहां पर, ठीक है, मे फ्रेम अ चार्ज। देखो यानी मजिस्ट्रेट साहब को बाद में लग रहा है कि तो मैं नहीं, मेरे पास वो ट्रायल नहीं चलना चाहिए, नीचे चलना चाहिए। ही मे फ्रेम अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज एंड बाय ऑर्डर ट्रांसफर द केस फॉर द ट्रायल टू सीजेएम। अब क्या भेजेंगे, मे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बनाकर कहाँ भेज देंगे, सीजेएम साहब के पास भेज देंगे, और अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जेएमएफसी को भेज सकते हैं, एंड डायरेक्ट द एक्यूज टू अपियर बिफोर द सीजेएम साहब के सामने आप अपियर हो। इनको क्या दे देंगे, एक्यूज को यह डायरेक्शन दे दी जाएगी कि यहां पर इन कोर्ट में अपियर हो जाए, एज द केस मे बी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑन सच डेट एज ही डीम फिट, एंड देयर अपॉन द मजिस्ट्रेट शैल ट्राई द ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केस इंस्टीट्यूट इन द पुलिस रिपोर्ट। अब ये शुरुआत में तो गए कहां पे, कोर्ट ऑफ सेशन में, क्योंकि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि नॉट ट्राइबल बाय द एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, एफआईआर सब चीजों को देखने के बाद कोर्ट को लगता है कि नॉट एक्सक्लूसिव ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, देन द कोर्ट मे फ्रेम अ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर सकती है, मे लिखा है, बनाना चाहे बना दे, नहीं तो सीधा नीचे भेज देगी, तो सीजेएम साहब को भेज देगी, सीजेएम साहब से क्या, और अक्यूज को कह दिया जाएगा आपको सीजेएम की कोर्ट में अपियर होना है या जेएमआईसी की कोर्ट में अपियर होना है। और जब ये मामला यहाँ पहुंच जाएगा तो ये ऐसे ट्रायल चलेगा जैसे मानो ये वारंट ट्रायल हो, और विच इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, यानी वो जो ट्रायल हमने अभी चार जो कॉलम बनाए थे उसमें जो पहला वाला कॉलम था वो कोर्ट ऑफ सेशन, सेकेंड कॉलम में जो हमने बनाया था उस तरीके से ट्रायल चलेगा, ठीक है। और अगर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है जो कि बी कहता है, देन ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड, तो फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बन जाएगा। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बन गया, सेकंड क्या कहता है यहाँ पे, वेयर द जज फ्रेम्स अ चार्ज अंडर क्लॉज बी। अब यहाँ पे यहाँ की बात कर रहा है, अगर यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया है, The charge shall be read and explained. उसको पढ़कर और सुनाया जाएगा. Read and explain to the accused, and the accused shall be asked whether he pled guilty of the offence charged or claim to be tried. उससे ये भी पूछा जाएगा, Do you plead guilty? Do you plead guilty? अगर वो कहता है ये, इसके दो ही चीज होंगे, या तो ये सुन नो, अगर नो कहेगा तो क्या होगा, क्लेम्स टू बी ट्रायल होगा ना, फिर तो क्लेम्ड टू बी ट्रायल। अगर वो अपना जुर्म यहां पे नहीं मानता है तो क्लेम टू बी ट्रायल, उसके फिर भी ट्रायल चलेगा, देन द ट्रायल विल प्रोसीड। अगर प्लेड गिल्टी कर लिया है तो क्या होगा, हाँ जी, अगर प्लेड गिल्टी कर लिया है तो क्या होगा, तो 229 होगा, कन्विक्शन ऑन प्लेड ऑफ गिल्टी, कन्विक्शन मतलब सजा दी जा सकती है, कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्ट। देखो कितना आसान है ट्रायल,
एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस में याद रखना। और मैं ज्यादातर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर ये कोर्ट ऑफ सेशन का आता है या फिर समरी आता है, मैक्सिमम तो यही देखे गए। अब देखो लकी बात है आपसे वारंट पूछ ले, तो वारंट में भी कुछ है थोड़ी ना, बहुत ईजी है वो भी। इफ द एक्यूज प्लेड गिल्टी द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली, रिकॉर्ड तो करेगा कि हाँ इसने प्लेड गिल्टी किया, शैल लिखा है यहां पर, एंड मे, अब लेकिन यहाँ क्या लिखा है, मे, चाहे तो उसको वो कन्विक्ट कर सकता है, मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम, मे कन्विक्ट, ठीक है। अब 230 पढ़ लेते हैं। अगर इसने ट्रायल की तरफ बढ़ा अपने, इसने कहा भाई नहीं आई वॉन्ट टू क्लेम अ ट्रायल, डेट फॉर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस रखी जाएगी। अब डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, इफ द एक्यूज रिफ्यूजेस टू प्लेड गिल्टी, अगर उसने मना कर दिया है, रिफ्यूजेस क्या कर दिया है, प्लेड गिल्टी नहीं मानता, अगर उसने अपने आप को कहा कि नहीं मैंने क्राइम नहीं किया है, और डज नॉट प्लीट और क्लेम्स टू बी ट्राइड और इज नॉट कन्विक्टेड अंडर 229, डज नॉट भी आ गया, और या इसको 229 के अंदर कन्विक्ट नहीं किया गया है, तो इफ नॉट कन्विक्टेड, ठीक है, अगर कन्विक्ट भी नहीं किया गया तो क्या होगा, जज शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब जस्ट आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए, एग्जामिनेशन के लिए विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा, किसके विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो रहा है, प्रोसिक्यूशन, ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन का है ये लिखा ना पीई, तो शैल एग्जामिन विटनेसेस, एक डेट दे दी जाती है कि इस तारीख से एग्जामिनेशन होगा विटनेस का, एंड मे ऑन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, अब प्रोसिक्यूशन चाहे तो एक एप्लीकेशन लगाएगा, फॉर व्हाट पर्पस, इशू एनी प्रोसेस फॉर द कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, विटनेस को बुलाने के लिए या कोई उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, और ये दबाव के फॉर्म में है, विटनेस अपना पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो कंपेल भी किया जा सकता है, ठीक है, विटनेस खुद आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो फिर वो इश्यू प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए एप्लीकेशन लगाएगा कि इन लोगों ने देखा है, इश्यू प्रोसेस किया जाए, इनको बुलाया जाए, विटनेस को जिन्होंने चीजें हुई हुई देखी है या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है उसको बुलाने के लिए कंपेल भी किया जा सकता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ 231 पढ़ते हैं, ये तो आई होप ऐसे लिख लिया होगा आपने शॉर्ट में, प्रोसीड करें आगे। यस सर, जी सर, सर एक मिनट, सर एक मिनट, एक सेकंड, हाँ पूर्णिमा चलो लिख लेना, आ गया वैसे देख लो सर, इसमें आपने ये क्या लिखा, रिफ्यूज वाली लाइन एक बार, ये वाली, ये है, अगर वो रिफ्यूज करता है, कौन रिफ्यूज कर रहा है, ये एक्यूज जो है मना कर रहा है कि आई डोंट प्लेड गिल्टी, मैं अपना गुना कबूल नहीं कर रहा हूँ, मैंने करा ही नहीं, ठीक है, तो हम उसके लिए फिर प्रोसिक्यूशन की डेट लगा देंगे ना, मजिस्ट्रेट जज साहब, सॉरी सेशन जज जो होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, डेट लगा देंगे कि भाई इस दिन अब सरकारी गवाह जो होंगे वो आएंगे, और उनसे फिर सबसे पहले एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। हाँ जी, डेट लगी है, अभी 230 में डेट लगी है, डेट लगी है और प्रोसेस इशू हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, लिख लिया पूर्णिमा, सर ये लास्ट में क्या लिखा है, शैल एग्जामिन विटनेस के नीचे प्रोसिक्यूशन है ना ये, हाँ शैल एग्जामिन करेंगे, प्रोसिक्यूशन क्या कर सकता है, इशू ऑफ प्रोसेस के लिए बोल सकता है कि और इनको उस समन भेज दिया जाए, विटनेस को समन भेजे जाए, विटनेस को ऐसा समन भेजा जाए जिसके अंदर उसको ये कहा जाए कि भाई तेरे पास जो डॉक्यूमेंट है उसको लेके आ, ठीक है, और ये कंपेल लिखा है, दबाव डाला जाता है ना, कई बार विटनेस खुद नहीं आता तो उसको इशू प्रोसेस, अब तो आना पड़ेगा ना, कोर्ट का समन आ गया, अब समन आ गया तो आना पड़ेगा,
नहीं, ये इशू ऑफ प्रोसेस के ऊपर नहीं समझ आ रहा। ओके एप्लीकेशन है, एपीएल, APL, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इशू प्रोसेस फॉर विटनेस, विटनेस को बुलाने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। ओके सर। ओके अब 231 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ चीजें जो छुपी हुई हैं वो मैं बताता हूँ आपको। 231 जो डायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, अब प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस लेगा। ऑन द डेट्स ऑफ फिक्स्ड जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस, टेक ऑल सच एविडेंस आज में भी प्रोड्यूस इन द सपोर्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन, जो भी प्रोसिक्यूशन रखना चाहे, ठीक है, जो भी प्रोसिक्यूशन रखना चाहे सारे एविडेंस लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी पहले टू पढ़ लेते हैं फिर मैं बताता हूँ इसका मतलब। जज में इन ए डिस्क्रिशन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस टू बी डेफर्ड, जज को अगर ठीक लगता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन को क्या कर सकता है, डेफर्ड अंटिल एनी अदर विटनेस और द विटनेस हैज बीन एग्जामिन्ड, जब तक और विटनेस को एग्जामिन ना कर लिया जाए, और रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन, फर्दर री एग्जामिनेशन के लिए। फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन, सॉरी। तो अब जिस दिन डेट लगी है, अब जज साहब जो है वो सारे विटनेस को लेंगे, प्रोसिक्यूशन अपने सारे एविडेंस रखेगा। अब इसका मतलब क्या है? देखो सीधा क्रॉस की बात कर रहा है। अरे क्रॉस से पहले तो वो होता है ना, चीफ होता है ना, एग्जामिनेशन होगा, चीफ एग्जामिनेशन रखेगा, वो तो इसमें लिखा ही नहीं। चीफ होगा तभी तो क्रॉस होगा ना। तो देखो यहाँ पे एम्बिग्यूटी है, गलत लिखा, एक लाइन लिख देनी चाहिए थी कि सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होगा, देन ओनली द क्रॉस विल बी डन। अगर एक दिन में क्रॉस नहीं हो रहा तो डेफर्ड होगा। डेफर्ड क्या होता है? हाँ जी सर, कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है एक दिन में नहीं हो पाता क्रॉस, तो आगे कर दिया गया या स्थगित कर दिया गया, डेफर्ड कर दिया गया, नेक्स्ट डेट पे करेंगे क्रॉस, होता कहाँ है एक दिन में, ठीक है। और केस को भी तो टाइम देना है, तो फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, नेक्स्ट डेट मिल जाएगी, उस दिन आएगा वो। तो यहाँ पर थोड़ी सी एम्बिग्यूटीज हैं, जिसमें हमें ये चीफ नहीं लिखा, क्रॉस नहीं, क्रॉस लिखा है लेकिन सीधा क्रॉस लिख दिया, और जरूरत पड़ी तो री एग्जामिनेशन भी होता है। री एग्जामिनेशन किस चीज के लिए होता है? जस्ट टू एक्सप्लेन। और री एग्जामिनेशन इंट्रोडक्टरी फैक्ट के लिए हो सकता है क्या? Yes, with the permission of the court. बिल्कुल, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। अब आपके मार्क्स कहाँ दूसरों से ज्यादा आते हैं आपको ये बात पता है ना, तो डेफिनेटली आपका एमसीक्यू गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपको यहीं फंसा देंगे कि क्या री एग्जामिनेशन में नए फैक्ट्स रखे जा सकते हैं। बिल्कुल रखे जा सकते हैं। ऑप्शन होगा विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके सो अब एक बात बताइए, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस ले लिए, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस ले लिए, अब क्या, अब प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लेने के बाद क्या यहाँ पर डिफेंस के एविडेंस लिए जाएंगे? ये इम्पोर्टेंट, डिसाइड अब कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि whether the person can be acquitted or not अब देखो एक on बात the basis of the evidence of the prosecution only। हाँ जी, अब देखो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस सुने हैं सिर्फ हमने, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस का क्रॉस हुआ है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस का रिक्वायर्ड पड़े तो री एग्जामिनेशन हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्लेस पर रिकॉर्ड पे लग चुके हैं। सिर्फ प्रोसिक्यूशन एविडेंस सुनने के बाद भी कोर्ट इंसान को, एक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है, यहाँ पे भी एक्विटल हो सकता है। ऑफ कोर्स ही बात है, एक्विटल होगा तो तब होगा ना जब इसका लगता है मजे से आपको कुछ नहीं निकल के आया,
इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन एग्जामिनिंग द एक्यूज्ड. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मिसिंग है, मिसिंग है या फिर इसको हम अपने एंगल से समझ सकते हैं. देखो ध्यान से पढ़िएगा. इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, यानी प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंस को सुनने के बाद, सुन लिया प्रोसिक्यूशन को, एग्जामिन द एक्यूज्ड, एग्जामिन द एक्यूज्ड, इसका मतलब क्या है? हाँ जी एग्जामिन ऑफ द एक्यूज्ड का मतलब क्या है सर? आपने 313 तो पढ़ा होगा सीआरपीसी का. यस. क्या कोर्ट एग्जामिन नहीं करेगी एक्यूज को, पूछताछ नहीं करेगी? 313 सीआरपीसी में यही तो लिखा है था कि मजिस्ट्रेट साहब जो है एक्यूज से कुछ विदाउट गिविंग एनी वार्निंग कैन आस्क एनीथिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी टाइम. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 313 का यूज होता ही है ज्यादातर. ठीक है, जैसे ही प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंस को खत्म करा, इसने एंड किया अपने एविडेंसेस को, नाउ द अभी इससे हम ये नहीं कह रहे भाई अपने एविडेंस को लेके आए, लेकिन इससे तो पूछताछ कर सकते हैं, एक्यूज से तो पूछ सकते हैं. अभी हम डिफेंस विटनेस नहीं बुला रहे, डिफेंस विटनेस अभी नहीं बुला रहे हैं, अभी सिर्फ एक्यूज से पूछताछ हो रही है 313 में. ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब एक्यूज से पूछताछ करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ एक्यूज से पूछताछ हो रही है, ना इससे विटनेस बुलाने के लिए कहा जा रहा, ना इसके विटनेस को, ना इसके विटनेस की क्रेडिबिलिटी चेक हो रही है. कभी आप सोचो सर क्रेडिबिलिटी भी चेक होगी? अरे क्रेडिबिलिटी तो बहुत बाद की बात है, जब भी अपने विटनेस रखेगा क्रॉस में होगी क्रेडिबिलिटी तो. ठीक है, ये बात समझ में आई क्रेडिबिलिटी वाली बात? ये तो क्रेडिबिलिटी तो बहुत बाद की है, जब विटनेस आएंगे तब क्रेडिबिलिटी की बात आएगी ना. तो यहाँ पे 332 में ये स्टेप नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन होगा, एक्यूज से पूछताछ होगी. अगर एक्यूज से पूछताछ के बाद आगे क्या लिखा है, हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, दोनों को सुन, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, हियरिंग होगी इन दोनों की. एंड द डिफेंस ऑन द पॉइंट द जज कंसीडर देयर इज नो एविडेंस. अब जैसा आपको लगता है भैया कोई एविडेंस हो, बन नहीं रहा, नो एविडेंस. अब जब एविडेंस नहीं बनना है दैट द एक्यूज कमिट द ऑफेंस, द जज शैल रिकॉर्ड द ऑर्डर ऑफ एक्विटल. अब क्या होगा? एक्विटल होगा. अब एक चीज समझना थोड़ा सा यहां पर. अच्छा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद, बिफोर और आफ्टर. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले क्या होता है? अगर किसी एक्यूज को छोड़ा जा रहा है तो वो डिस्चार्ज होगा, और इसके फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद छोड़ा जा रहा है तो क्या होगा? एक्विटल. ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है. आपने देखा ना, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले ही हो रहा था डिस्चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद कोई एविडेंस नहीं है. यहाँ पे भी एविडेंस नहीं होता, यहाँ पे भी एविडेंस नहीं निकला सबको सुनने के बाद. तो यहाँ एक्विटल है, और एक्विटल है तो 20 का 3 डिफेंस देगा, और सॉरी 20 का 2 डिफेंस देगा कॉन्स्टिट्यूशन, और 300 भी डिफेंस देगा सीआरपीसी का. देगा नहीं देगा? ये चीज ध्यान रखना. ओके, अब आगे चलते हैं. अब सपोज कीजिए 232 में उसको एक्विटल नहीं मिला, तो 233 एंट्री डिफेंस. हाँ जी सर, कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपार्डी इन द केस ऑफ कन्विक्शन है ना, तो वहां पे एक्विटल वाले पॉइंट के लिए तो यहाँ पे दोनों साइड से हैं, यहाँ पे सिंगल साइड से 300 में दोनों साइड से कन्विक्टेड है ना यहाँ पे. जी ठीक है, यहाँ पे दोनों प्रोसिक्यूटेड एंड कन्विक्टेड, एक्विटल एंड कन्विक्टेड.
अमेरिका में दोनों साइड से मिलता है, इंडिया में है बस ये प्रॉब्लम, पूरा ट्रायल चलाने के बाद अगर आपने तो इसका यूज यहाँ कर लेंगे हम, 300 के अंदर करेंगे, ठीक है? ओके ना, और 233 एंटरिंग अपॉन डिफेंस, एंटरिंग अपॉन डिफेंस। अब यहाँ पर इसका हमने एक्विचल नहीं किया, 232 में एक्विचल नहीं हुआ, आप क्या आगे की क्या होगा प्रोसेस? अब उसको बुला लेंगे, भैया एक काम कीजिए, प्रोसिक्यूट और जो डिफेंस है अपने विटनेस लाए, और वेयर द एक्यूज इज नॉट एक्विटेड अंडर सेक्शन 232 ही शैल बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर ऑन हिज डिफेंस। अब ये अपने डिफेंस लेके आएगा, अगर इसको नहीं छोड़ा, डिफेंस लिया है अपने, एंड एड्यूज एनी एविडेंस ही मे हैव इन सपोर्ट, और अपने जो भी एड्यूज करे एविडेंस जो भी वो लाना चाहता है, ठीक है, जो भी उसके पास एविडेंस है जो ला सकता है वो लेके आए, ही मे हैव इन सपोर्ट देयर ऑफ। टू क्या कहता है, इफ द एक्यूज पुट इन एनी रिटन स्टेटमेंट, अगर कोई लिखित में भी कई बार होते हैं कि आपको कोर्ट कह देती है भाई अपने स्टेटमेंट्स को लिख के दीजिए, द जज शैल फाइल इट विद इन द रिकॉर्ड, रिटन स्टेटमेंट है तो रिकॉर्ड में ले लेगा, जज साहब उनको रिकॉर्ड में ले लेंगे। इफ द एक्यूज अप्लाइज फॉर द इश्यू ऑफ एनी प्रोसेस फॉर द कंपेलिंग अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, अगर एक्यूज ये कहता है कि जज साहब से एक रिक्वेस्ट करता है इश्यू ऑफ प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए किसी विटनेस के लिए अगेंस्ट, क्योंकि तो वो खुद नहीं आ रहा है, उसको विटनेस को बुलाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई चीज हो उसको प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में कहा जाए, ठीक है? द जज शैल इशू सच प्रोसेस, तो जज साहब इशू कर सकते हैं वो प्रोसेस, शैल लिखा है बट मना भी कर सकते हैं, अनलेस ही कंसीडर फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड दैट सच एप्लीकेशन शुड बी रिफ्यूज ऑन द ग्राउंड दैट इट इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैक्सेशन। रिफ्यूज भी हो सकती है कब, अगर वो वैक्सेशस है, वैक्सेशन डिले करने के लिए कर रहा है अक्यूज, या फिर डिफीटिंग एंड ऑफ जस्टिस, डिफीटिंग एंड ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो इश्यू प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा। रिफ्यूज कर सकते हैं जज साहब अगर ये वैक्सेशन है, सिर्फ कुछ फालतू का ड्रामा बदला लेने के लिए, परेशान करने के लिए है, कानूनी प्रक्रिया को डिले करने के लिए है, और इससे कोई न्याय नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट होगा उल्टा, तो कि उसको मना किया जा सकता है। अब यहाँ एंट्रिंग अपॉन डिफेंस में आपने एक चीज देखी, अब आप मुझे बताइए यहाँ जो पहला पढ़ के बताइए इसमें क्या लिखा है, आप सब आपके पास बैरेट है, नाउ प्लीज टेल मी इसका मतलब क्या है, एंट्रिंग अपॉन द डिफेंस जो फर्स्ट क्लॉज है ना इसका, ये पढ़िए, वेयर द एक्यूज इज नॉट एक्विटेड, जब उसको नहीं छोड़ा गया है अंडर द सेक्शन 3232 ही शैल बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर ऑन हिज डिफेंस एंड एड्यूस एनी एविडेंस ही मे हैव इन सपोर्ट ऑफ इट, इसका मतलब क्या हुआ? सर, अगर उसमें उसे रिफ्यूज करती है तो 233 के अंडर में आके मतलब लाइक अपनी एक और डिफेंस क्या करेगा यहाँ पे, डिफेंस मतलब एक्यूज क्या करेगा, सर अपने सपोर्ट में एविडेंस देगा देगा वापस कैसे फिर लाएगा, से एविडेंस क्या मतलब है यहाँ पे, तो विटनेसेस एविडेंसेस कैन बी एनीथिंग, डॉक्यूमेंट और यहाँ विटनेस। तो लिखा नहीं है विटनेस, तो कुछ नहीं लिखा ना, क्रॉस एग्जामिनेशन लिखा कुछ भी नहीं लिखा, तो यही चीज समझनी है, ठीक है? ये तो जो सर एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा ना उसकी, उसमें जो डेफिनेशन है एविडेंस की जो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। ये साइलेंट है लेकिन हमें उसको ही इन्फर्ड करना है यहाँ पर, इन्फर्ड मतलब मान के चलना है कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ये अपने क्या करेगा, डिफेंस विटनेस लेके आएगा, DW, ठीक है, डिफेंस विटनेस लेके आएगा, इनका क्या होगा, सबसे पहले चीफ होगा, फिर इनका क्या होगा, इस चीफ का क्रॉस होगा, प्रोसिक्यूशन क्रॉस करेगा ना, जरूरत पड़ी तो री एग्जामिनेशन, तो ये साइलेंट है अबाउट इट, तो ये है सारा। ठीक है, और अगर अब प्रोसिक्यूशन के भी तो हो गए थे, डिफेंस के भी विटनेस हो गए, अब क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ? Now the judge will decide the case. अब होंगे पहले आर्गुमेंट होंगे,
फाइनल आर्गुमेंट होते हैं ना. ओके नाउ एक सेकेंड, अब आर्गुमेंट होंगे, ये हटा दूं मैं, लिख लो आप पहले इसको जी सर. अपने बेरेक में लिख लेना. 233 के वन में चीफ भी होगा, क्रॉस भी होगा, एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन जरूरत पड़ी तो वो भी होगा, बिकॉज इट्स साइलेंट अबाउट इट, बट वी हैव टू इन्फर्ट. ठीक है, लिख लीजिए, देन आई प्रोसीड फर्दर. इफ यू हैव रिटन इट देन लेट्स प्रोसीड. यस सर. ओके, अब होंगे आर्गुमेंट. 234, व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इफ एनी फॉर द डिफेंस इज कंप्लीट. अब आर्गुमेंट हो गए किसके, डिफेंस के. व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इफ एनी फॉर द डिफेंस इज कंप्लीट. प्रोसिक्यूशन विटनेस के तो हमने पहले ही कर लिए थे, अब डिफेंस विटनेस के भी हो गए, ये भी कंप्लीट हो गया प्रोसेस. अब प्रोसिक्यूटर शैल सम अप इस केस. प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, अपने केस को सम अप करेगा. सम अप मतलब फाइनल आर्गुमेंट देगा, अल्टीमेटली वो किस कंक्लूजन पे पहुंच रहा है. एंड द अक्यूज और हिज प्लीडर शैल बी एंटाइटल टू रिप्लाई. और अक्यूज और प्लीडर भी अपनी बात को पूरा रख लेंगे, रिप्लाई दे देंगे. अक्यूज खुद कर सकता है या उसका प्लीडर, ऑफकोर्स ये बात है प्लीडर भी करता है, अक्यूज भी सामने तो होता ही है. एक बेसिक रूल भी मैं बता देता हूँ, जब ट्रायल की बात करेंगे तो कोई भी जो विटनेसेस होते हैं या एविडेंस जो भी लिए जाएंगे, इट शुड बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड. प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड के सामने लिए जाते हैं. ये कहाँ लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 273, चेक कर लीजिए एक बार. एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज के सामने दिए जाते हैं सारे एविडेंस. अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक केस भी हम कर चुके हैं, शायद आपको याद होगा. क्या यहाँ पर इससे वो, अगर आपके पास पेपर में आ जाए कि एविडेंस शुड बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, क्या कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस भी हो सकती है क्या? हाँ जी. yes. कौन सा केस लिखोगे अगर कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस का केस लिखना पड़े आपको? सर वो जो आपने केस बताया था जिसमें एक फॉरेन में था. अरे बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वो मत भूल जाना. डॉक्टर प्रफुल्ला भी देसाई वाला केस. डॉक्टर प्रफुल्ला भी देसाई, डॉक्टर ग्रीनबर्ग है ना. सर वो वाइफ का ट्रीटमेंट हुआ था. अरे इसको मत भूलना, आजकल यही चल रहा है ना, कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है. ठीक है, तो ये यहाँ से एक्यूज के सामने, एक्यूज बैठा हो टीवी के सामने, ठीक है, उसके बाद जो विटनेस है उसकी गवाही ली जा सकती है. इट वुड बी कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस, आजकल टेक्नोलॉजी है. डॉक्टर प्रफुल्ल भी देसाई. सो आर्ग्यूमेंट रखे जाएंगे, समअप किया जाएगा, एक्यूज अपनी बात रखेगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे. प्लीडर शैल बी एंटाइटल टू रिप्लाई, और ये रिप्लाई दे देंगे जो भी इनका रिप्लाई होगा प्रोसिक्यूशन का. Provided that where any point of law is raised by the accused or his pleader, the prosecution may, with the permission of the judge, make a submission with regard to such point of law. अब कोई law का कोई मुद्दा है, इस पे अगर कोई accused ने कोई question raise किया गया है, then the prosecution can reply. ठीक है. Now 235 ये कहता है judgment of acquittal or conviction. Finally अब हम पहुंच चुके हैं, acquittal होगा या कन्विक्शन होगा, या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा. लेट्स सी. आफ्टर हियरिंग आर्गुमेंट इन द पॉइंट ऑफ लॉ इफ एनी, द जज शैल गिव अ जजमेंट इन द केस. अब जैसे आप जजमेंट दे देंगे, जजमेंट या तो किस में, एक्विटल या कन्विक्शन. इफ द अक्यूज इज कन्विक्टेड, अब यहां बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन निकल के आता है. अगर जैसा आप इस कंक्लूजन पे निकले हैं कि भाई कन्विक्टेड करते हैं, कन्विक्शन है, द जज शैल अनलेस यू प्रोसीड इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 360
hear the accused on the question of sentence. अगर convicted है तो इसमें दो दायरे हैं, या तो वो 360 के प्रोसेस में जाएंगे, अगर वहाँ नहीं गए हैं, अगर इस प्रोसेस की तरफ वो नहीं बढ़े हैं, unless he proceed in the accordance with the section 360, hear the accused on the question of sentence. क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? The amount of punishment. हाँ जी, देखो अब क्या होगी बात, अब अल्टीमेटली भैया जज साहब तो इस कंक्लूजन पे निकला है, इसको सजा तो देनी है. दो बातें हैं, या तो वो सेक्शन 360 का यूज करेंगे, अगर ये नहीं यूज किया तो चलो भैया क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे आ जाते हैं. 360 सेक्शन क्या कहता है, या तो प्रोबेशन पे छोड़ने की बात होगी या एडमोनिशन होगी. एडमोनिशन 360 का तीन है क्लॉज, जहां पे जज साहब इस कंक्लूजन पे निकले हैं कि भाई इसने कुछ ऑफेंस नहीं किया, छोटा मोटा ऑफेंस है, इसको डांट फटकार के छोड़ा जाना चाहिए, या एक प्रोबेशन का फायदा दिया जा सकता है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उसको उसमें कुछ कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशन के, कोई फीमेल है, लड़का है, तो वो हम पढ़ लेंगे 360 को आगे. और अगर इस प्रोसेस में नहीं गए हैं, देन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की बात होगी. अब इसमें भी आर्गुमेंट्स होंगे, एक डेट रख दी जाती है, एक डेट दे दी जाती है अक्सर के भाई ठीक है सेंटेंस पे बात कर लेंगे, इस पे सेंटेंस इसको सुनाई जाएगी, ओपन कोर्ट में होगी. अब सेंटेंस जब सुनाई जाएगी तो सेंटेंस में कई सारे दलीलें देख सकता है कि उस के मैंने तो कोई ऑफेंस नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए, ठीक है, मेरे बीवी बच्चे हैं, ऐसे ऐसे चीजें होंगे जिसमें आई एम ओनली द ब्रेड अर्नर, ठीक है, मैं ही कमाता हूँ, तो उसकी वजह से सेंटेंस कम हो जाएगी, ठीक है. और अल्टीमेटली फिर इसको जेल में रहना पड़ेगा, ऑफ कोर्स ही बात है, फिर जुडिशियल कस्टडी में चला जाएगा क्योंकि ट्रायल तो चल ही रहा है. और अभी तक ये क्या था, अभी तक इसका ट्रायल चल रहा था, जब तक ट्रायल चल रहा था तो ये किस तरीके का कन्विक्टेड था, ये कन्विक्टेड था या अंडर ट्रायल, ये प्रिजनर किस तरीके के था, एक्यूज्ड, ये अंडर ट्रायल था, ये अंडर ट्रायल था, और अगर इसको सजा मिल गई तो ये कन्विक्टेड हो जाएगा. अब इस कन्विक्शन के अगेंस्ट वो अपील भी कर सकता है, कन्विक्शन अगर हो गई है तो इसकी अपील भी कर सकता है, फिर वो अपील के प्रोविजन पढ़ेंगे हम, ठीक है. ये हमने पढ़ लिया 235, अब एक 236 और पढ़ लेते हैं, 236. 360 को हम बांधने पड़ेंगे क्योंकि बड़ा प्रोविजन है, अभी पढ़ेंगे तो सीधा आउट ऑफ फ्रैक्शन ले जाएंगे, विल डू दैट. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, 100% एमसीक्यू के चांसेस है यहाँ से आने के, और मेंस का भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से. प्रीवियस कन्विक्शन, अब ऑफ कोर्स ही बात है जब सेंटेंस की बात चल रही है, सेंटेंस की बात चल रही है तो देखेंगे ना भाई इसका कैसा इंसान है, इसका पीछे बैकग्राउंड क्या है. In the case where the previous conviction is charged under the provision of subsection 7 of 211 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge. Sorry. So 211 में जब उससे पूछा गया कि भाई क्या आपने कभी क्राइम किया, वो मना करता है. And the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge. The judge may, after he has convicted the said accused under section 229 or 235. 229 क्या कहता है? Plea of guilty. ठीक है, जब उसने कहा तो कोर्ट यहाँ पे may है ना, सजा दे सकती है. अगर यहाँ सजा नहीं दी कोर्ट ने तो क्या होता है? तो फिर 230 वाला प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाता है, ट्रायल स्टार्ट होगा फिर, ठीक है. और या फिर 235 में हमने क्या देखा कि हाँ कोर्ट साहब जज साहब ने इसको कन्विक्ट कर दिया, सजा सुना दी है, सजा पे बहस भी हो गई है, टेकन एविडेंस रिस्पेक्ट ऑफ. अब क्या होगा, अब कहेंगे भैया एक काम कीजिए, अब वो एविडेंस लेके आओ जिससे ये बात सिद्ध होती हो कि तुम्हें पहले सजा दी जा सकती, प्रीवियसली कन्विक्टेड है. टेक एविडेंस रिस्पेक्ट ऑफ द अलेज प्रीवियस कन्विक्शन एंड शैल रिकॉर्ड फाइंडिंग देयर ऑन. मतलब क्या चीज मंगाएंगे यहाँ पे जज साहब, प्रीवियसली कन्विक्शन का रिकॉर्ड मंगा लेंगे, उसको देखेंगे.
ये इंसान ऑलरेडी क्राइम कर चुका है, तो हमारा एक प्रोविजन है ना अंडर सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी, एनहांस पनिशमेंट मिलेगी इसको, पढ़ा है ना, प्रोवाइडेड नो सच चार्ज शैल बी रेड आउट बाय द जज, नॉर शैल एक्यूज्ड बी आस्क्ड टू प्लीड देयर टू, नॉर शैल द प्रीवियस कन्वेंशन बी रेफर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन or in any evidence adduced by it unless and until the accused has been convicted under 229 and 235. तो पहले इसका conviction होना चाहिए, उसी के बाद ये वाला provision लगेगा previous conviction का, ठीक है? यानी previous conviction तो तभी referred होगी जब इसको यहाँ पर सजा convict किया जा रहा है, क्योंकि convicted होने के बाद प्रीवियस कन्विक्शन को ही देखा जाएगा कि अब इसको अल्टीमेटली सजा कितनी देनी है। अब 239 है वो बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके बात करता है। 239 ये हमारा पूरा प्रोसीजर कोर्ट ऑफ सेशन का खत्म हो गया है, ठीक है? कोर्ट ऑफ सेशन का प्रोसेस ये पूरा खत्म हो गया, ट्रायल पूरा खत्म हो गया। अब इसमें सिर्फ एक प्रोविजन बचा है 237। 237 में क्या लिखा है, प्रोसीजर इन केस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199(2). 199(2) क्या कहता है, अगर कोई डिफेमेशन हुआ है हमारे हाई डिग्निटरीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर्स एंड ऑल, वो आप एक बार देख लेंगे 199 का 2, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो मैटर होता है ये एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कहाँ होता है, कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है इसका ट्रायल, उसका ये प्रोसीजर बता रहा है, ठीक है? तो ये बिल्कुल अलग से प्रोविजन है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन में ही चलेगा इसका प्रोसीजर ट्रायल। तो ये कहता है 237 प्रोसेस इन केस इंस्टीट्यूट अंडर सेक्शन 199(2). एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 2 ऑफ द 199 शैल ट्राई द केस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर try the case in accordance with the procedure for trial of a warrant case instituted otherwise than on a police report before a court of magistrate. किस तरीके से मामले को चलाएगी? हाँ जी, कोर्ट ऑफ सेशन किस तरीके से ट्रायल को चलाएगी? वो ऐसे चलाएगी जैसे ट्रायल जो है इसका वारंट केस में, ठीक है? वारंट ट्रायल और वारंट ट्रायल भी कैसा, जैसे इंस्टीट्यूटेड जो हो कंप्लेंट पे हो, इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज इज ऑन अ पुलिस रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, जैसे कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ट्रायल चलाते हैं वैसे इसका ट्रायल चलेगा। अब ये इसको जानने के लिए पहले आपको ये वाला ट्रायल जानना पड़ेगा, ठीक है? ये ट्रायल जानना पड़ेगा, जान लेंगे, डोंट वरी। एक शॉर्ट में एक चीज मैं बताता हूँ आपको, देखो सेक्शन 238 से लेकर 243 तक जो है ना, 243 तक ये है पुलिस रिपोर्ट पे, और अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट यानी कंप्लेन केस में, तो 244 से लेकर 244 से लेकर 247 तक ये कौन से हैं, कंप्लेंट। अदरवाइज का मतलब कंप्लेंट निकल के आता है, तो 238 से। और अगर हम बात करें पूरा जो वारंट ट्रायल है दैट डील्स विद द 238 से लेकर 250 तक है, यानी 238 से लेकर 243 तक पुलिस रिपोर्ट है, 244 से लेकर 244 से 247 कंप्लेंट्स पे है। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ट्रायल तो हम पढ़ ही लेंगे। तो यानी ये जो अगर 237 के अंदर अगर 199 का 2 जो है डिफेमेशन जो है डिग्निटरीज का हो रहा है, तो ये वाला जो प्रोसेस है वो चलेगा, दिस प्रोसेस, दिस काइंड ऑफ अ ट्रायल विल प्रोसीड। आगे पढ़ लेते हैं, प्रोवाइडेड द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड, जिसकी अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, शैल अनलेस द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड अदरवाइज डायरेक्ट बी एग्जामिन एज अ विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे जो जो कंप्लेनेंट होंगे
अगर कोर्ट ऑफ सेशन को उचित लगता है तो वो उनको एग्जामिन भी कर सकता है। ठीक है, जैसे अंडर सेक्शन 200 के अंदर एग्जामिन करते हैं ना, कंप्लेंट लेके आते हैं तो एग्जामिन करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी एग्जामिन हो सकता है। प्रोवाइडेड द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड शैल अनलेस द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड अदरवाइज डायरेक्ट्स बी एग्जामिन एज अ विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन। तो इन कंप्लेनेंट को एज अ विटनेस एग्जामिन भी किया जा सकता है। टू क्या कहता है, एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन द कैमरा। अच्छा, ये कैमरे का मतलब क्या है? वीडियोग्राफ। कैमरे का मतलब वीडियोग्राफ नहीं होता, ठीक है? कैमरा नॉट प्रोसीडिंग्स नॉट टू बी कंडक्टेड इन द ओपन कोर्ट। हां जी, ये कैमरा ये नहीं है। देखो, अगर कैमरा लिखा होगा ना, तो जहां पे कैमरा वर्ड है, जहां आपको लग रहा है कि इस चीज को रिकॉर्ड करना चाहिए, तो वहां वर्ड होगा वीडियोग्राफ। आपने एक चीज सुना होगा, अगर कोई लड़की जो है जिसके साथ कोई घटना हुई है, रेप जैसा विक्टिम हो, और जो मेंटली है, मेंटली साउंड नहीं है, तो उसमें वीडियोग्राफ वर्ड यूज हुआ है। आई होप यू कैन रिमेम्बर इट। FIR लिखते हुए भी वहां वीडियोग्राफ लिखा है वर्ड, तो वो वीडियोग्राफ होता है प्रॉपर। कैमरा प्रोसीडिंग होती है, नॉट इन ओपन कोर्ट, नॉट इन ओपन कोर्ट। ठीक है, मतलब जब ये ट्रायल चलेगा ना, तो सबको बाहर निकाल देंगे, या सीक्रेटली चलाया जाएगा थोड़ा, सबको जो बैठे उनको कहेंगे आप बाहर जाइए, और एक बोर्ड लगा देते कैमरा प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन, अंदर ना आए। एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन द कैमरा इफ ईदर पार्टी देयर टू सो डिजायर और इफ द कोर्ट थिंक फॉर सो। अब ये कैमरा प्रोसीडिंग ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, अगर जिस पार्टी के अगेंस्ट हुआ है डिफेमेशन वो चाहती है या कोर्ट को उचित लगता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं, ये लिख लीजिए आप। लिखा आपने? यस सर, लिखी है। ओके, थर्ड क्या कहता है, इफ इन एनी केस द कोर्ट डिस्चार्ज और एक्विट ऑल और एनी ऑफ द अक्यूज्ड। अगर कोर्ट को लगता है कोर्ट किसी मामले में एक्विट कर रही है या डिस्चार्ज कर रही है, ऑल और एनी ऑफ द अक्यूज्ड एंड इज ओपिनियन दैट देयर वाज अ नो रीजनेबल कॉज फॉर मेकिंग द एक्विजिशन अगेंस्ट देम। कोर्ट इन कंक्लूजन पे निकली है कि भाई इसको कोई एक्विजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, रीजनेबल कॉज नहीं नजर आ रहा है, और एनी ऑफ देम इट मेट्स बाय ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और एक्विटी, या तो वो एक्विटल कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है। डायरेक्ट द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस वाज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड अदर देन द प्रेजेंट, इनको छोड़कर, डिग्निटरीज को छोड़कर, पर्टिकुलरली जो है, टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट पे कंपनसेशन। अगर एक्यूज को छोड़ा जा रहा है, एक्विटल या डिस्चार्ज हो रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ कारण है कि भाई ऐसा लगता है कि इसने ऑफेंस नहीं किया है, तो जिसने कंप्लेंट करी है ना, लेकिन हाँ, वो कंप्लेनेंट कौन नहीं होना चाहिए? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कुछ ऐसे डिग्निटरीज हैं, जैसे गवर्नर हो गया, या आपका एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, वैसे दिल्ली में एलजी होते हैं, ठीक है? तो इन लोगों को छोड़कर बाकी जो लोग भी होंगे, जो कंप्लेनेंट होंगे, जिन्होंने शिकायत की होगी, उसके प्रोसेस की वजह से इसको परेशानी हुई ना, यानी मिनिस्टर हो सकते हैं, उनको एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। शो कॉज, कारण बताओ कि व्हाई यू आर नॉट सपोज टू पे कंपनसेशन टू हुम, इनको कंपनसेशन क्यों ना दिया जाए, किसको कंपनसेशन ना दिया जाए, इसको, एक्यूज्ड को, वो भी कब, जब उसको छोड़ा जा रहा है या डिस्चार्ज किया जा रहा है। हाँ जी, ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? थर्ड पॉइंट, यस सर। देखो, बैरेट है, अगर बैरेट को तोड़ के पढ़ोगे तो आई एम श्योर सारे चीजों का आंसर मिल ही जाता है। फोर्थ, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एंड कंसीडर एनी कॉज विच मे बी शोन बाय द पर्सन सो डायरेक्टेड।
कोर्ट अल्टीमेटली क्या करेगा, रिकॉर्ड करता है व्हाट एंड कंसीडर एनी कॉज व्हिच मे बी शोन बाय द पर्सन सो डायरेक्टेड एंड इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज नो रीजनेबल कॉज फॉर द मेकिंग द एक्विजिशन इट मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड मेक एन ऑर्डर दैट द कंपनसेशन टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1,000 रुपीज. अब बहुत मीगर सा अमाउंट है, 1,000 रुपए की बात करिए, बहुत मीगर अमाउंट है, 1,000 रुपए तक का दिया जा सकता है. एज इट मे डिटरमाइन बी पेड बाय सच पर्सन टू द अक्यूज्ड और ईच ऑफ देम, सिर्फ 1,000 रुपए है, ठीक है. अच्छा, आपको शायद पता होगा प्रशांत भूषण का जो मामला था उसमें कितने रुपए उसने फाइन किए, आई मीन एज अ, क्योंकि उसने कोर्ट की बदनामी करी थी, कितने रुपए मांगा था पैसा, फाइन कितना था? 1 रुपी, जस्ट 1 रुपी, 1 रुपए की, और इसने पे किया है प्रॉपर, 1 रुपया भी पे किया है सर, पूरा उसकी रिकॉर्डिंग में तो ये मतलब कि फोटोग्राफी हुई है. हाँ जी, तो ये तो वैसे इज्जत की वाली बात थी कि भाई कहीं ना कहीं जुडिशरी ने इसको इसलिए कंपेल भी किया, इस तरीके से जुडिशरी के खिलाफ बोला इसने, जबकि वो बहुत कुछ है नहीं उसमें. बट आई सर ईगो भी ले लिया जज ने अपनी, और ये सब मतलब पेरेंट भी था, सबको ये पता भी चल रहा है. अरे यार उन्होंने क्या कहा, इसने क्या कहा था, एक तो वो कहा था ना आरएसएस को लेके कुछ बोला था, वो गाड़ी पे बाइक पे बैठे थे अरविंद बोबड़े साहब. तो भाई फ्रीडम तो होनी चाहिए, माना के देखो जुडिशरी को बिल्कुल डिफेमेटरी वर्ड यूज नहीं करो, ये वो जिस एक्सप्रेसिंग इज व्यू, डेमोक्रेसी कहाँ रह गई फिर, अब तो बोलने का राइट ही नहीं है फिर तो अदरवाइज. बट ठीक है, कोर्ट को जो उचित लगता है. कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी रिकवर्ड. अच्छा, मार्कंडे कार्जू जी आपका तो नाम जानते होंगे सर, ये तो बहुत ही ज्यादा वोकल रहते थे पीटीआई तो बहुत बोलते हैं. मतलब एक चीज मैंने देखी है, जुडिशरी में जब तक जुडिशरी में थे तब तक कोई नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं तो बोलते हैं, अरे जब तुम जुडिशरी में थे यू आर हैविंग द पावर, व्हाई यू नॉट, आई मीन तब आपने क्यों नहीं बोला. मार्कंडेय का अर्थ तो, हाँ जी, कटाक्ष टिप्पणी देते हैं ये मार्कंडेय का अर्जु, तो ये ऐसा बोलते हैं, इनपे तो इनपे लगता है कि कुछ चलना चाहिए मामला. अभी इन्होंने जस्टिस रंजन गोगोई जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनपे बोला, रंजन गोगोई के खिलाफ इन्होंने बहुत गलत बोला है वो, जब ये राज्यसभा में बन गए ना ये एमपी, तो मार्कंडेय का अर्जु, और मार्कंडेय का अर्जु को एक एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया एक कॉलेज के अंदर, वहां पर कह रहे हैं कि सारे तुम जितने भी टीचर बैठे हो तुम सारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, सामने बोल रहे हैं ऐसा भी कुछ बोला सुनने में आया था. एक कॉलेज था उसमें बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट, वहां कह रहे तुम सब जितने भी टीचर बैठे हो तुम्हारे दिमाग गोबर है. तो आई मीन थोड़ा सा अपनी जुबान पे कंट्रोल होना चाहिए. और अभी रिसेंटली भी न्यूज में है ये, अभी रिसेंटली भी न्यूज में थे कुछ देश के खिलाफ कुछ बोल रहे थे. फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी रिकवर्ड एज इफ इट वाज अ फाइन इंपोज्ड बाय द मजिस्ट्रेट, इसको ऐसे रिकवर किया जाएगा जैसे अ फाइन हो. 6, नो पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 4 शैल बाय रीजन ऑफ सच ऑर्डर, नो पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 4 शैल बाय रीजन ऑफ सच ऑर्डर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लेंट मेड अंडर दिस सेक्शन. इसका मतलब क्या है 6 का? हाँ जी, बताइए. चलो अगर जो कंपनसेशन देने का मतलब ये नहीं होगा कि इनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है कोई भी सिविल एक्शन या क्रिमिनल एक्शन लेने से, क्या पता, एक बात बताओ, जो कंप्लेनेंट है इसने जानबूझकर ये मामला डाला हो, फ्रिवलस केस हो, मैलिशियस हो, द्वेष भावना से हो, तो एग्जम्प्ट नहीं हो जाएगा. फाइन पे कंपनसेशन पे करने का मतलब ये नहीं है कि आपके खिलाफ अब उल्टा केस नहीं चल सकता, बिल्कुल चल सकता है. द पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर्ड अंडर सबसेक्शन 4 टू पे द कंपनसेशन में अपील फ्रॉम द ऑर्डर,
अब इस कंपनसेशन की भी अपील की जा सकती है। देखो कितने यूजलेस से प्रोविजन है, 1,000 रुपये दे दिए आपने, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसकी भी अपील की जा सकती है। फ्रॉम द ऑर्डर इन सो फार इट इज रिलेट टू द पेमेंट ऑफ द कंपनी टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे। 8th पॉइंट, व्हेन एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एन अक्यूज्ड पर्सन इज मेड, द कंपनी शैल नॉट बी पेड टू हिम बिफोर द पीरियड अलाउड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ विल हैज लैप्स्ड। तो जो कंपनसेशन का ऑर्डर दिया गया होगा वो तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक अपील अगर इसने कर दी है ऊपर, तो अपील का पीरियड लैप्स ना हो जाए, जब तक ये पीरियड लैप्स ना हो जाए। और इफ द अपील इज प्रेजेंटेड बिफोर द अपील हैज बीन डिसाइडेड, या जब तक अपील डिसाइड ना हो जाए। समझ में आ गई बात? जब तक पीरियड लैप्स ना हो जाए अपील का, सपोज करो अपील का पीरियड हाई कोर्ट में जनरली अपील करने का कितना टाइम पीरियड होता है? हाँ जी 90 डेज होता है मैक्सिमम केसेस में हाई कोर्ट में अपील करने का मैक्सिमम। लेकिन ऑफ कोर्स की बात है, कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं, हर जगह अप्लाई करें, लिमिटेशन एक्ट देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप किसी असमंजस में आ जाते हैं एमसीक्यू के टाइम में, तो 90 डेज है मैक्सिमम केसेस में अपील का, ठीक है? तो 90 डेज में अगर वो खत्म हो गए, इसने अपील नहीं करी, देन ऑफ कोर्स कंपनसेशन फिर देना पड़ेगा। या अगर अपील है उसको डिसाइड होने दे, जो रिजल्ट आएगा आउटकम आएगा उसके हिसाब से। अगर आप देखेंगे इसमें भी सारे कंपनसेशन से रिलेटेड है, प्रोविजन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे क्या है, ये सारे कंपनसेशन से रिलेटेड है। तो कोई बहुत कुछ डिफिकल्टी तो आने वाली नहीं है इसमें। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ जी जी सर, एक आधा केस देख लेते हैं क्या कहता है केस। एक केस है बी ए उमेश वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, बी ए उमेश वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, टू थाउजेंड सेवेंटीन का केस है। इस केस में कहा सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कन्विक्ट हैज अ राइट टू बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, दैट द कन्विक्ट जिसको सजा दी जा रही है उसका ये अधिकार है, हैज अ राइट टू बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस कहां पढ़ा हमने? हाँ जी लास्ट वाली लाइन है, बट क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस में तो सुनने का अधिकार है, ऑफकोर्स ही बात है उसको सुनना पड़ेगा। बट मैंडेट टू फिक्स अ डेट, mandate to fix a date for hearing one sentence, but no mandate, no लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है? कोई ऐसा mandate नहीं है कि उस डेट को ही फिक्स किया जाए। क्या पता जिस दिन final arguments हुए, sentence पे बात हुई, generally वैसे date देते हैं, लेकिन that is not उसका right नहीं होगा कि एक date fix ही कर दी जाए। वैसे generally court कर देती है fixed कि इस दिन हम sentence की बात करेंगे। mandate to fix a date फॉर हेयरिंग वन सेंटेंस, ये उसका राइट नहीं होगा, डेट का कोई राइट नहीं है, बट हाँ उसकी बात का क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस में सुनने का अधिकार है। और इट वुड बी डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि क्या एक सेपरेट डेट दी जाए ना दी जाए, ठीक है? सेपरेट डेट फॉर हेयरिंग, इट इज अ डिस्क्रिशन है कहीं ना कहीं कोर्ट की।
ठीक है, सेपरेट डेट दी जाए या ना दी जाए, इट इज अ डिपेंडिंग अपॉन द कोर्ट। ठीक है, और एक सबसे पुराना केस है यूनियन ऑफ इंडिया प्रफुल्ला कुमार का है, वो भी लिख लेते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ला कुमार। ये आपका 1979 का है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है दैट व्हाइल कंसीडरिंग the question of framing of charge जब बना रही है court, the court has the power of shift and weigh, court के पास ये power है कि वो जो evidence उसके पास है उनको weigh करे, तोले, यानी जांच पड़ताल करे, the evidence for limited purpose, फाइंडिंग आउट वेदर, अब ये किस लिए जो एविडेंस है उनके पास उनको ध्यान से देखे कोर्ट, फॉर द फाइंडिंग आउट द पर्पस वेदर देयर इज अ प्रिमा फेसी केस इज देयर और नॉट। ठीक है, क्या प्राइमा फेसी केस है या नहीं है। ठीक है, प्राइमा फेसी केस एक्यूज के खिलाफ बनता है या नहीं बनता है, यानी जज अपना माइंड अप्लाई करे। ठीक है, और हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जज को सिर्फ अपना जज को अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, ही इज नॉट बाउंड विद द पुलिस रिपोर्ट, जो भी वो दे रहे हैं उससे बाउंड नहीं है, वाइल फ्रेमिंग ऑफ द चार्जशीट जो भी है उसको ध्यान में रखते हुए जज साहब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेंगे, बट ही इज नॉट बाउंड विद इट। तो ये हमारा एक ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन खत्म हो जाता है। अब रही बात ट्रायल बिफोर, जो वारंट ट्रायल है, वारंट ट्रायल में दो तरीके के ट्रायल हैं, वो थोड़ा टाइम लेते हैं। हाँ बताइए, कुछ कह रहे हैं आप जी। सर ये हमने एक केस पढ़ा बीए उमेश वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका सर, तो कोर्ट के पार्टी हो सकती है किसी भी केस में? नहीं, अच्छा ये आप साइटेशन की बात करें हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। अब ये देखना पड़ेगा इसको क्यों बनाया गया है, हाई कोर्ट को पार्टी बनाया है, एक्यूज्ड ही हो गया ये वर्सेस कर्नाटका, मे बी ये जो प्रोसेसर है इसमें हाई कोर्ट का जो प्रोसेस ठीक ना हो इसलिए पार्टी बनाया गया होगा, और ये तो प्राइमरी पार्टी बना दिया, अदरवाइज अदर में चल जाता। सब प्रोसीजर ठीक ना होने पे भी लेकिन कोर्ट को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देखो बेसिकली एक हमने जजमेंट पढ़ी थी ना जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इट इज प्रेज्यूम दे नेवर डू एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, ऐसे करके पढ़ा है ना, क्योंकि रिट इशू नहीं की जा सकती हाई कोर्ट के अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, इट इज ऑलवेज प्रेज्यूम व्हाटएवर दे आर डूइंग इट वुड बी डूइंग फॉर द जस्टिस। अब ये टेक्निकलिटीज है, देखना पड़ेगा किस ग्राउंड पे इनको हाई कोर्ट ऑफ द कर्नाटका बना दिया, साहब पार्टी बना रखा है, यहाँ पे एरर लग रहा है ना कि इन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी बीए उमेश को अपॉर्चुनिटी दी नीट सेंटेंस के लिए, तो इसलिए हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका का एरर है, इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए पार्टी बनाया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। बट नाउ दी देखो हर चीज में टेक्निकलिटी है, क्या ये हाई कोर्ट को पार्टी बनाया जा सकता है, ये तो अल्टीमेटली यूनियन ऑफ इंडिया कर देना चाहिए था, या तो यह पर्टिकुलर स्टेट आ जाती, स्टेट हो जाता ना, ये स्टेट भी तो जुडिशरी क्या है, स्टेट के तो तीन अंग होते हैं ना, ये लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, यहाँ स्टेट लिखा जाना चाहिए था। अब ये अच्छा कई जगह मैंने ऐसा देखा है साइटेशन में होता है, जैसे फैमिली कोर्ट भी लिखा हुआ है कई जगह, वर्सेस फैमिली कोर्ट, ऐसी साइटेशन है मैंने कई जगह देखी भी, नोट भी किए, बट विल हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीजन इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टेट ऑफ कर्नाटका व्हाई वी पर्टिकुलरली कोटिंग द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, अदरवाइज विथ ए प्रॉपर साइटेशन तो स्टेट होना चाहिए,
लेकिन अगर स्टेट तो रिप्रेजेंट तीनों चीज वो कर रहा है, इसलिए इन्होंने स्पेसिफिक दे भी दिया होगा हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, वैसे फैमिली कोर्ट्स भी मैंने देखा है, जैसे एक्स वाई जेड वर्सेस फैमिली कोर्ट, इस तरीके की भी देखा है साइटेशन में। चलो इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च, देखेंगे क्यों इसको करते हैं इस तरीके की साइटेशन। अब ये हम आगे चलेंगे तो इसमें अब हमारे जो डिफरेंट ट्रायल्स हैं, ट्रायल में एक क्लास और चाहिए जिसमें हम वारंट ट्रायल एंड समन ट्रायल करेंगे, एंड समरी ट्रायल भी ऑल्सो रिक्वायर्ड वन मोर क्लास, एंड देन प्ली बार्गेनिंग, और उसके बाद फिर बहुत स्पीड से हमारा काम हो जाता है क्योंकि बीच में कई सारे सेक्शंस होंगे वी हैव टू स्किप, एंड क्योंकि उसमें दो घंटे तो लग जाएंगे, एंड इट वुड बी अब थोड़ा सा मुझे लगता है दो घंटे तो क्लास डिफिकल्ट होगी। सो विल डू वन थिंग,